सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एंड इंजीनियर्स की पाठशाला। दिस इज रंजन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये सेशन आप लोग देख रहे हो और आज से सीरीज मस्त तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ मैं जल्दी जल्दी से शेयर कर देता हूँ। अन अकेडमी की प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर टारगेट एग्जाम जो है वो गेट IRMS ESC CSE, गोल नेम इज गेट ESC EE ये अवेलेबल है। न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 28 जनवरी से। उड़ान 2024 और बुनियाद 2025 जो है वो आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। और ये दोनों सेशंस आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सेशंस आप लोगों के लिए प्लान्ड हैं। और अनलॉक कोड इज GA1111। इस अनलॉक कोड के हेल्प से आपको बढ़िया मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। टीम अन अकेडमी एंड गेट अकेडमी EE आप देख सकते हैं, है ना, ये कंप्लीट टीम। और इसके अलावा रिपब्लिक डे का बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा ऑफर चल रहा है अन अकेडमी के ऐप पर। तो गेट और EE का जो ऑफर चल रहा है आपको मैं बता दूं, अप टू 30% का ऑफ आपको मिलेगा ऑन दिस रिपब्लिक डे। उड़ान और बुनियाद बैचेस जो है गेट 2024-25 के लिए जो कि 28 जनवरी से शुरू हो रही है उसमें, ठीक है, ये वैलिड है ये ऑफर। कब तक? 28 जनवरी तक ये वैलिड है ये ऑफर, ना, दिस ऑफर इज वैलिड अप टू 28th of January। और प्राइजेस जो है 10% बढ़ जाएगी आगे चल के इसके बाद, तो इस ड्यूरेशन में आप इसे परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स की बात करूँ, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अभी फिलहाल मिलता है 47,766 पर। प्राइस हाइक के बाद ये इसकी एक्चुअल प्राइस हो जाएगी 65,679 पर। वैसे प्लस के 12 महीने के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूँ तो 31,412 में अभी मिलेगा आपको ये 28 जनवरी तक। और बाद में इसकी प्राइस जो हो जाएगी 43,192 की हो जाएगी। आइकॉनिक की बात करूँ तो 24 महीने की प्राइस है 61,375 में और 12 मंथ्स की प्राइस जो है दैट इज 44,048 पर। बाद में इनकी प्राइस जो है 61,000 वाला जो है ये आपको पड़ेगा 84,391 पे और 44,048 वाला आपको मिल जाएगा 65,66 पर। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है इसको अवेल करने के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं GA1111। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा 30% ऑफ आपको मिलता है उड़ान और बुनियाद बैचेस पर भी, है ना, गेट 2024-25 की। ये भी 28 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। इसकी वैलिडिटी यहाँ पर जो ऑफर की है वो 28 जनवरी तक ही वैलिड है। प्राइजेस जो है यहाँ पर भी 10% इंक्रीज हो जाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द बैचेस, इन क्लास डाउट सॉल्विंग भी आपको मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स और होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स का एक्सेस मिलेगा यहाँ पर, है ना, एक्सेस टू 5,600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और PYQs, लगभग 10 साल से भी ज़्यादा के PYQs आपको इसमें मिलते हैं। अनलॉक कोड GA1111 ये इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए सभी गेट की रिकॉर्डेड क्लासेस सब्सक्रिप्शन जो है EE, MEC, CS और IT के लिए सब पर 20% का ऑफ आपको मिलता है। ये भी 28 जनवरी तक वैलिड है ये ऑफर। तो 30 मंथ्स की इंग्लिश सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस है 6,666 और 15 महीने की सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 4,888 की प्राइसिंग है इसकी। ये आपकी सेविंग्स हो जाती है यहाँ पर। वहीं हिंदी इंग्लिश कंटेंट की बात करूँ तो 30 मंथ्स के लिए ये मिलता है 4,443 रुपीज़ पर और ये 15 महीने का सब्सक्रिप्शन 3,554 रुपीज़ पर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी अनलॉक कोड जो है आपका सेम है, GA1111 का कोड आपको यूज़ करना है। इसके अलावा उड़ान की बात करें तो एक ही बैच है फॉर ऑल, यानी कि गेट ESC IRMS CSE मेंस सब की तैयारी 2024 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये उड़ान बैच आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। जनवरी 28 से शुरू हो रहा है ये, हिंदी इंग्लिश कंटेंट रहेगा, EE के लिए अवेलेबल है बैच बी के फॉर्म में, ठीक है। और स्टार्टिंग होगी उमेश ढांडे सर के सेशन से, ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन जो है वो सर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। GA1111 कोड यहाँ पर भी यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितने एडवांटेजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस। इसके अलावा बुनियाद बैच भी आप देख सकते हैं कि ये भी गेट ESC IRMS CSE मेंस 2025 के लिए जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जनवरी 28 से शुरू हो रहा है ये भी, हिंदी इंग्लिश कंटेंट EE के लिए डिजाइंड है, दिस इज बैच बी। और ये ओरिएंटेशन सेशंस वगैरह का डिटेल, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी एडिड फीचर्स आपको मिलेंगे। USPs आप देख सकते हैं इसमें, है ना, कि गेट के डिजिटल बुक्स ऑन वेब एंड ऐप ये मिलेगा, लाइव टेस्ट है, क्विज है, फॉलोड बाई एनालिसिस है, इतना सब कुछ इसमें मिलता है। GA1111 कोड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा तो आप अपना गेट EE का ड्रीम पूरा कर सकते हैं बेस्ट वे में, और नो कॉस्ट EMI है, 0% इंटरेस्ट ऑन द लोन एज लो एज 2,239 पर मंथ के EMI पर भी कोई बच्चा पढ़ाई कर सकता है। अप्रूवल इन 2 आवर्स, मिनिमम पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल टेन्योर्स के साथ आपको मिलता है ये। इसकी और अधिक जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस के लिए AIMT भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट गेट 2023 के लिए। इन सभी डेट्स पर एग्जामिनेशन आपको होते हुए मिलेंगे, ठीक है। AIMT इवन बिगर दिस टाइम, कैसे,
क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, टॉप 3000 रैंकर्स को अप टू 1 CR का स्कॉलरशिप, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलेगा वीडियो सोल्यूशन के साथ, और GA1111 का कोड यहाँ पर लगाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा गेट सब्सक्रिप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन है, गेट एंड EAC EEC की सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक प्लस लाइट है ना, तीन फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। तो ये देखिए सबके पूरे कॉस्ट वॉस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको कोड क्या यूज़ करना है, GA1111, मैक्सिमम बेनिफिट आपको इससे मिलता है, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी यहाँ पर डिटेल फॉर्म में कंटेंट और जो कोर्स का वो है प्राइस है वो सब दिया रहेगा। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जो फीचर्स हैं, एडिड फीचर्स, वो आपको दिख जाएंगे। GA1111 आप कोड यूज़ करेंगे तो ये सभी फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। प्रिंटेड नोट्स का फॉर्म, यस। कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर है, ये भी अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी है, स्टडी प्लानर है, सब इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये आइकॉनिक के अंदर अवेलेबल है। प्लस में कुछ चीज़ें नहीं है और बाकी जो रिमेनिंग थिंग्स है जैसे टॉप एजुकेटर, डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये अवेलेबल हो जाता है किसमें, प्लस में। और अवर टॉप EEC के रैंकर्स ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और इन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, गेट अकेडमी ऑफिशियल का टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें अपडेट्स, PDF नोट्स सब अवेलेबल हो जाते हैं। GA1111 कोड आप यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिट्स आपको खूब सारे मिलते हैं। टीम गेट अकेडमी का सपोर्ट इसमें आपको पूरी तरह से मिलेगा, PDF हैंडआउट, नोट्स, वर्कबुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट सब है इसमें, ऑन कॉल डाउट सॉल्विंग असिस्टेंस। और यहाँ से आ जाता है वो जिसकी हम बात करते हैं डेली 8:30 बजे से, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं मस्त टाइप से, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों के मैसेज देख लूँ फटाफट से, और सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। सगुन, तन्मय, उत्कर्ष, अरुण, मनीष, श्रेया, स्टार्लिंग स्टार, गुरुजी, है ना, और जितने भी बच्चों को कमेंट ऊपर से लगे जो मैं देख नहीं पाया, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑन दिस सेशन। कर देते हैं मस्त टाइप से स्टार्ट। हाँ जी, तो उत्कर्ष इस आखिरी लड़ाई के लिए ब्लेसिंग दे दीजिए सर, जो 27 को है, 27 तारीख को एग्जामिनेशन है आपका, है ना, जो पोस्टपोन होते होते वहाँ तक पहुँच गया, तो इस बार मस्त दिलाइएगा एकदम पेपर, एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट माई डियर। और सर आज बहुत फीवर है, बाद में इस लेक्चर को देख लेंगे, तब कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं ना, बिल्कुल पूछ सकते हो श्रेया, अभी रेस्ट करो, तबीयत जो है वो मेन प्रायोरिटी, बाद में बाकी चीज़ें होती रहेंगी। अरुण ने लिखा कि सर प्लीज़ इस चैप्टर के बाद ट्रांसफार्मर पढ़ा देना, मैग्नेटिक्स ना करें, मैग्नेटिक एकदम जल्दी से करा दूँ आपको, क्योंकि मैग्नेटिक के बिना मैं ट्रांसफार्मर पर लेके जाऊँगा तो लॉसेस समझ में नहीं आएंगे, लॉसेस के बाद फिर म्यूचुअल जो कपलिंग का जो पोर्शन है, जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड जो पोर्शन है, या जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा EMF का, थोड़ा सा डाउट आ जाएगा उसमें आपको अगर मैग्नेटिक्स नहीं पढ़े हैं तो। जल्दी करा दूंगा, एकदम स्पीड से कंप्लीट करा दूंगा, मैग्नेटिक सर्किट्स बहुत ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हार्डली 3 or 4 days के अंदर मैं आपका मैग्नेटिक सर्किट पूरा करवा दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है उत्कर्ष, ऑल द वेरी बेस्ट डियर, आप रिविजन करिए, मस्त से प्रिपेयर करिए सारी चीज़ें, ठीक है, मस्त से पेपर दिलाइए। सूर्यकांता, वेरी गुड इवनिंग माई डियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो अभी 3-phase AC को कंप्लीट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हम लोग की, 3-phase AC को सबसे पहले कंप्लीट करना है और मस्त तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। मनोज ने लिखा कि सर आज SSC JEE Mains की क्लास हुई थी क्या? नहीं मनोज, SSC JEE Mains की क्लास 27th से वापस से रिज्यूम होगी, कल सुबह आप लोगों की SSC JEE की जो रेगुलर जो 50 days 50 marks चैलेंज वाला जो क्लास है वो कल सुबह रहेगी, कल थर्सडे है इस वजह से, है ना, तो वो क्लास मिलेगी। चलिए तो आप शुरू करते हैं आगे। 3-phase AC हम लोग पढ़ रहे थे आज, कनेक्शंस का पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कनेक्शन स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए बहुत अच्छा इजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपसे बने लग जाएंगे, ठीक है। तो बैक टू बैक एकदम मस्त तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मेहंदी हसन ने लिखा कि गुड इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच डियर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो कनेक्शन ऑफ 3-phase AC, कनेक्शन इन 3-phase AC। देखिए ये चैप्टर जो है आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सेकंड चैप्टर का पोर्शन है, सेकंड चैप्टर में Single-phase AC और 3-phase AC को मिला के क्वेश्चन पूछता है। और ये जो पोर्शन आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक और कल का टॉपिक, ये दो दिन का जो टॉपिक रहेगा आपका, ये वो टॉपिक है जो 3-phase AC के अंदर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पूरा डेरिवेशन टॉपिक है, डेरिवेशन प्लस फेजर करके इसको बनाना होता है, और ये ज़्यादा मार्क्स में पूछने वाला टॉपिक है, तो इसलिए ऐसा टॉपिक ना मिस नहीं करना है बिल्कुल, आज का टॉपिक और कल का टॉपिक, ये दो चीज़। फिर दो दिन के बाद फिर एक टॉपिक आएगा 2 wattmeter method का यूज़ करके पावर मेजरमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट बेसिक इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा तो ये वाला पोर्शन है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, तो कनेक्शंस इन 3-phase AC, जब 3-phase AC की बात होती है
तो कनेक्शन कैसे करें? अब थ्री फेज मतलब हो सकता है कि हमारे पास तीन सेट ऑफ कॉयल्स हैं, है ना। अगर मान लीजिए एक जनरेटर है मेरे पास, तो उस जनरेटर की तीन कॉयल के सेट होगी, हो सकता है सिमेट्रिकल, हो सकता है अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो सभी की नंबर ऑफ टर्न सेम है, सभी की लेंथ ऑफ कंडक्टर्स बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज ऑल सेम। अब इन सभी के सभी कॉइल्स को आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाने वाले हैं, और जब ये लोग रोटेट होंगे तो ईएमएफ इंड्यूस करके देंगे, और ये सब एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। तो इतनी तक की कहानी तो हम लोग सुन चुके हैं, इतने दूर तक की सिनारियो, इतनी दूर तक की कहानी जानते हैं, ये सब पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। शिवा, हाँ वीडियो तो बन गया डियर, बस आया नहीं है अभी तक, आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो अब थोड़ा टाइम रहेगा मेरे पास कि मैं उसको जल्दी से रेडी करवा दूँ, है ना। ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सुकांत, वेरी गुड इवनिंग डियर। तो कनेक्शन इन थ्री फेज एसी, इसको कैसे समझेंगे हम लोग? तो कनेक्शन जो है इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके? देखिए, एक तरीका ये है जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि आप सभी के, आपके पास टोटल छः टर्मिनल हैं, तो आप सभी के एक एक टर्मिनल्स को एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए, लेट इट बी न्यूट्रल, वेयर एज द रिमेनिंग थ्री पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द सर्किट। रिमेनिंग थ्री पॉइंट्स अगर सर्किट से जोड़ दो, हर कॉयल का दो टर्मिनल है ना, ये जितना भी कॉयल आप बात कर रहे हो जिसकी, दे आर ऑल टू टर्मिनल पैसिव एलिमेंट्स, ठीक। तो दो टर्मिनल है तो सब कुछ मिला के आपके पास छह टर्मिनल है, छह टर्मिनल है तो हर कॉयल का एक एक टर्मिनल को एक पॉइंट पर कॉमन कर दीजिए, दिस पॉइंट विल बी नोन एज द न्यूट्रल पॉइंट। जबकि रिमेनिंग जो थ्री पॉइंट्स है इसको आप सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए, दिस कनेक्शन विल बी नोन एज अ स्टार कनेक्शन। ये सब पढ़े थे हम लोग जब डीसी नेटवर्क पढ़ रहे थे उसके अंदर, तो वहां स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, यहाँ पर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी टाइप की क्वांटिटीज होती है, क्या क्या क्वांटिटीज होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास ये जो कॉयल्स आ गए, जो पहला डेरिवेशन है उसी में एफर्ट है, सेकंड के ऑनवर्ड्स तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्शन इन थ्री फेज एसी में एक केस अज्यूम कर रहे हैं। क्या केस? मैं कंडीशन ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू टेक अ कंडीशन ऑफ जनरेटर, एक थ्री फेज एसी का जनरेटर है मेरे पास जो बैलेंस सिस्टम को फॉर्म करता है। बैलेंस सिस्टम मतलब जिसकी हर फेज की कॉयल जो है वो सिमेट्रिकल है दूसरे वाले से, है ना। तो जब ये लोग एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेंगे, तो जो ईएमएफ एक कॉयल से बन के निकलेगी उसकी मैग्नीट्यूड दूसरी कॉयल से बनने वाली ईएमएफ के बिल्कुल बराबर रहेगी, सब कुछ इक्वल है, सिर्फ 120 डिग्री अपार्ट, बस 120 डिग्री शिफ्टेड रहेंगे ये लोग एक दूसरे से, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कनेक्शन जो है, सबसे पहले तो हमको पता है कि दो टाइप का कनेक्शन होता है, लिख देते हैं इस पॉइंट को कनेक्शन। नोट्स अब वापस से आप रेडी करना शुरू कर दीजिए, फिर से वहीं से कंटिन्यू। कनेक्शन इन थ्री फेज एसी इज मेजरली डन इन टू फॉर्म्स, ठीक। कौन कौन से दो फॉर्म्स? तो पहला हो गया स्टार कनेक्शन, स्टार, और दूसरा हो गया डेल्टा। फर्स्ट इज स्टार कनेक्शन एंड द सेकंड वन इज द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब स्टार और डेल्टा होता क्या है? तो देखिए, स्टार और डेल्टा आप पढ़ें, उससे पहले एक दो चीजें और। भाई स्टार कनेक्शन का मतलब, ये सब बेसिक डेफिनेशन आप लोग इसका लिख चुके हैं। स्टार मतलब कि एक कॉमन पॉइंट पे तीन जो टर्मिनल से वो जुड़े और रिमेनिंग जो है सर्किट से जुड़े। डेल्टा मतलब बैक टू बैक कनेक्शन, कि एक टर्मिनल जहां पे एंड होता है वहां से दूसरी कॉइल का पहला टर्मिनल शुरू होता है, ये जहां पे एंड होगा वहां से तीसरी कॉइल का पहला टर्मिनल शुरू होगा, ठीक है। और ऐसा करते हुए बैक टू बैक कनेक्शन है, इनके जो मीटिंग पॉइंट्स या जंक्शंस जो है वो सर्किट से जुड़ते हैं, दैट इज अ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद और आगे उदित ने लिखा कि सर एसी के न्यूमेरिकल्स में अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो क्या बाय डिफॉल्ट 2 और 10 ले लेते या नहीं, हमारे टीचर ने बताया है आज। अरे बाप रे, अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो बिल्कुल नहीं, अजम्पशन नहीं होता है। देखिए, मान लो आपकी सर्किट ऐसी है ना, या मान लो पैरेलल सर्किट आप सॉल्व कर रहे हो ऐसा, है ना। एसी के न्यूमेरिकल का मैं अलग से आप लोग के लिए ना सोच रहा हूँ कि और कोई सेशन लाऊंगा जिसमें कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस मुझे लगता है कि थोड़ी सी और रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्लास में समय ज़्यादा नहीं था, हम लोग कम ही क्वेश्चन बनाए हैं अलग, सिर्फ हम लोग मेन वैरायटी बस देखें, अभी उस वैरायटी के अंदर बहुत प्रैक्टिस करना रहता है। तो और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने के लिए ना अलग से सेशन प्लान करूंगा संडेज या कुछ छुट्टी वाले दिन पर। तो लेट अस सपोज कि ये 2 ओम है, ये -J6 ओम है, और यहाँ पर J4 ओम है, ऐसा है। अब यहाँ रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, यहाँ अज्यूम नहीं कर सकते आप, इस ब्रांच की पूरी इंपीडेंस ही यही रहेगी, यही इंपीडेंस है इसकी। मान लो Z2 है तो इसका पूरा इंपीडेंस आप बोलोगे J4 ओम का इंपीडेंस है, 0 + J4 ये रहेगा, ठीक है। सबने लिखा कि सर प्लीज ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करिए, मैग्नेटिक सर्किट्स तो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में सिलेबस में नहीं है। अरे मैग्नेटिक सर्किट्स तो है, चलो ठीक है,
मैग्नेटिक सर्किट स्किप करने से बस ये हो जाएगा ना कि कुछ बेसिक्स जो है वो ट्रांसफार्मर में समझ में नहीं आएगा, है ना। ये करेंगे। सबन लिखा कि सर कब प्लान कीजिएगा, सेम आने वाला है, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे ये पूरा चैनल आप ही लोग के लिए डेडिकेटेड है, पूरा ध्यान है मेरा, पूरा ध्यान है। बट एक्चुअल में हो गया कि दूसरी प्लानिंग जो है ना वो AEJEE पर भी चलनी शुरू हो गई, जिस वजह से थोड़ा सा लैग हुआ, जिसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो एकदम घबराने की बात है, मैं समझता हूँ आपका टेंशन होना जो है वो ज़रूरी है, सब बेसिक उतना जानते हैं, स्टार्ट कर देंगे। बट बहुत सारे बच्चे जो है ना उनको दिक्कत हो सकती है, जो मैग्नेटिक्स नहीं जानेंगे या जिनसे लॉसेस का फॉर्म जो है उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैग्नेटिक्स को ये कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दूँ फटाफट से, लेकिन उसमें बस इतना ही होगा कि फिर उस पॉइंट पर अगर डाउट आएगा ना ट्रांसफार्मर पढ़ने के समय, तो वो बड़ा दिक्कत वाला डाउट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल करता हूँ, स्टार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, करता हूँ मैं इसके लिए प्लान। ठीक है चलिए, फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, जो आपका डाउट था कि रेजिस्टेंस अगर ना दिया हो कोई दिक्कत की बात नहीं, रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया तो आप जीरो अज्यूम करिएगा इसको, और जेड इज इक्वल टू J4 ओम बोलेंगे आप इस ब्रांच के अंदर, है ना, इस ब्रांच के अंदर। और ये वाला जो ब्रांच है इसमें तो दिया है रेजिस्टेंस, तो इसमें लिखेंगे आप जेड इज इक्वल टू 2 - J6 ओम डायरेक्ट, ऐसा इसका फिर पैरल कैलकुलेट करेंगे, ऐसा रहता है। खैर ठीक, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना और, तो इसका मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट है कनेक्शन इन 3 फेज AC। बात कर रहे थे हम लोग स्टार कनेक्शन की, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन समझते हुए एक और चीज़ करना है इसमें हमको, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन समझते हुए एक और चीज़ करना है कि हम लोग ये अज्यूम करने जा रहे हैं कि हमारे पास 3 फेज की वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, 3 फेज के जनरेटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। 3 फेज जनरेटर का अगर एग्जाम्पल है तो हमारे पास 3 फेज की वाइंडिंग्स होंगी, और ये तीनों ही सिमेट्रिकल कंडीशन पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, और इधर मैं बना देता हूँ एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, देखिएगा ध्यान से। दिस इज हाउ अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम लुक्स। तो इसमें क्या हो गया, जितने भी जंक्शंस फॉर्म हो रहे हैं ये सब पर जो है वो सर्किट का कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, अब ये फेज 1 है, 2 है, 3 है, दिस इज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो स्टार और डेल्टा में मेजर डिफरेंस, ये स्टार डेल्टा आप लोग रजिस्टर के फॉर्म में देख चुके हो, पहले ही देख चुके हो। ठीक है सर, लास्ट लेक्चर लेफ्ट हो गया है कहाँ, लास्ट लेक्चर होगा ना, लास्ट लेक्चर जो पढ़े थे ना हम लोग, जिसमें टाइप्स वगैरह पढ़े थे, एक बार आप उसको फॉलो कर लेना। ठीक है सर, GTD आपकी चैनल पर है क्या, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है विष्णु सर ने पढ़ाया होगा शायद, एक बार चेक करिएगा, वो होगा। चलिए देखते हैं, तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम दो चीज़ है। स्टार का मतलब क्या हो गया, हर कॉयल एक कॉमन एंड से जुड़ा हुआ है एक कॉमन पॉइंट पर, है ना, हर कॉयल का एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज न्यूट्रल। डेल्टा में कुछ अलग होता है, डेल्टा में क्या होता है कि हर कॉयल, जैसे ये कॉयल नंबर 1 है तो ये जहाँ एंड हो रही है वहाँ से कॉयल 2 शुरू हो रही है, कॉयल 2 जहाँ खत्म हो रही है वहाँ से कॉयल 3 शुरू हो रही है, तो बैक टू बैक कनेक्शन इसको बोलते हैं हम लोग इसीलिए। अब यहाँ जब 3 फेज AC की बात होती है, वेन एवर वी टॉक अबाउट 3 फेज AC, तो हम लोगों को दो चीज़ और समझना पड़ता है कि चाहे ये सप्लाई जनरेट कर रहा हो या ये कोई लोड होगा और इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, इन बोथ द केसेस, दोनों ही कंडीशन पे जो हम सप्लाई का इनपुट देते हैं, है ना, जो सप्लाई इसको हम, इसको जो इनपुट मिलती है या ये जनरेट करके बाहर आउटपुट दे रहा है, ये किस फॉर्मेट में हो रहा है। फॉर्मेट मतलब, अभी तक तो आपने पढ़ा कि AC सिंगल फेज में आप पढ़े कि भाई 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो ग्राफ बना के, तो फेजर और वेव फॉर्म हो गया, दूसरा मैग्नीट्यूड हो गया जिसमें इंस्टेंटेनियस, पीक, एवरेज और RMS, और तीसरा हो गया मैथमेटिकल जिसमें कि पोलार, रेक्टेंगुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो। तो ये तो है ही, बाय डिफॉल्ट आपने उसके अंदर पढ़ा कि RMS फॉर्म में एक्सप्रेशन बनता है, मैग्नीट्यूड अगर कभी भी बता रहे हैं तो RMS फॉर्म में ही वो मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन बनता है। तो RMS यहाँ पे भी रहेगा, मान लो यहाँ पे मैं कोई वोल्टेज बोलता हूँ 200 वोल्ट का इनपुट दे रहा, मान लेते हैं कि ये कोई लोड है, इसको मैं इनपुट दे रहा हूँ 200 वोल्ट का, ठीक है, तो ये 200 वोल्ट कौन से फॉर्म में रहेगा, ये तो RMS है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि करंट 5 एम्पियर का ले रहा है ये, तो ये RMS है, अभी भी वही है, लेकिन अब दो नए फॉर्म्स और आते हैं। कौन कौन सा फॉर्म, एक बनता है लाइन क्वांटिटी, एक होती है लाइन क्वांटिटी और दूसरी होती है फेस क्वांटिटी। पूरा स्टार और डेल्टा इसी के ऊपर बेस्ड है, जो आप डेरिवेशन वगैरह पढ़ते हो इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहता है, लाइन क्वांटिटी का एक्सप्रेशन एंड फेस क्वांटिटी का एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज अ लाइन क्वांटिटी, व्हाट इज अ फेस क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज विच आर प्रोवाइडेड बिटवीन टर्मिनल्स टू टर्मिनल, फ्रॉम वन टर्मिनल और बिटवीन एनी टू एक्सटर्नल टर्मिनल्स, उसको लाइन क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये एक्सटर्नल टर्मिनल है
अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लैब गए होंगे आप लोग सभी लोग, या जो बच्चे इंडस्ट्री में वर्क किए होंगे या जो वीटी वगैरह किए होंगे वो लोग देखे होंगे कि इंडस्ट्रीज में भी अगर आप एक मोटर को ओपन करेंगे, है ना, मोटर वगैरह को अगर आप ऐसा ओपन करके देखें तो आपको उसके अंदर क्या दिखेगा, टर्मिनल्स दिखाई देंगे, है ना। ऐसे मोटर का जो कनेक्शन बॉक्स जो रहता है, ऐसा एक बॉक्स बना रहेगा, थ्री फेस का अगर कोई IM वगैरह है तो उसमें ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसे छः पॉइंट्स बने होंगे और इसी के अंदर ऐसे वायरिंग जो है वो अलग अलग कलर RYB लिखा होगा या 1 2 3 लिखा होगा, है ना, ऐसे अलग अलग कलर बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी होगा और उसी के अंदर वायर्स जो है वो लगे रहते हैं। ये आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा इसको कहीं ना कहीं। अगर ये आप नोटिस किए हैं तो इससे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये थ्री फेस का कनेक्शन करने के लिए, थ्री फेस का कनेक्शन यहाँ पर होता है। अब चाहे स्टार करना है, डेल्टा करना है, वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो आप कनेक्ट करते हो ये कौन सा टर्मिनल है, ये बाहर का टर्मिनल है, ये वाला। इसी पे आप बाहर से मेंस से इसको जोड़ते हो, मेन सप्लाई लाइन से। क्या आप मोटर को, उसकी स्टेटर को खोल के उसकी आर्मेचर वाइंडिंग को बाहर निकाल के क्या उसमें कनेक्शन करते हो, क्या नहीं करते हो? ये चीज़ नहीं करते हम लोग। हम लोग कहाँ करते हैं, एक्सटर्नल टर्मिनल पे, बाहरी टर्मिनल पे। तो जो भी क्वांटिटी एक्सटर्नल टर्मिनल पे बनती है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन क्वांटिटी। इसको समझने का आसान तरीका, इसको और फुल लेंथ डिटेल में मैं आपको बता देता PSA के फॉर्मेट में, बट अभी उतना समय नहीं है। तो अभी हम बस इतना समझ सकते हैं कि जो एक्सटर्नल टर्मिनल पे बनने वाली क्वांटिटी है दे आर टर्म्ड एज लाइन क्वांटिटी, और दूसरी जो होती है फेस क्वांटिटी, इस सर्किट के इनर मोस्ट पोर्शन या लोड की तरफ जो बनती है, लोड के अंदर जो क्वांटिटी बनती है ये भी फेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज बन रहा होगा तो इसको फेस वोल्टेज बोलेंगे, VPS से डिनोट करेंगे। यहाँ जो वोल्टेज बनेगा इसको VL बोल देंगे, तो लाइन क्वांटिटी का एक्सप्रेशन हो गया। करंट जो बन रही है होगी जो एक्सटर्नल टर्मिनल से होते हुए आ रही है या जा रही है, फर्क नहीं पड़ता, लाइन करंट है। जो इनर सेक्शन में बन रहा है सर्किट के अंदर वो फेज करंट है या फेज वोल्टेज है। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्रेशन अभी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये तो अपने समझने के लिए मैंने बताया, ऐसी लेमैन टर्म में बताया, थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी और लिखते हैं फिर स्टार शुरू कर देंगे। The electrical parameters are expressed in terms of, line or phase quantities. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आर एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ लाइन एंड फेज क्वांटिटीज। दीज पैरामीटर्स आर वोल्टेज, करंट, इंपेडेंस एंड पावर। ठीक है, वोल्टेज, करंट, इंपेडेंस और पावर, इनको हम लोग लाइन या फेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जिसमें से कि एक और बड़ी सी इंपॉर्टेंट सी थिंग है कि इंपेडेंस एक ऐसा टर्म होता है जो हमेशा फेस के फॉर्म में ही रहता है। ये अभी से इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के समय ये कंसेप्चुअल डाउट बन जाएगा। अगर अभी नहीं पता रहेगा, जब आप न्यूमेरिकल बनाने जाओगे तो वहां पर कंसेप्ट वाला डाउट हो जाएगा कि समझ नहीं आएगा कि जो डेटा दिया है किस फॉर्मेट में। ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फेज, इसका रीजन मैं बताता हूं अभी कनेक्शन डायग्राम ड्रॉ करके। ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फेज, ये लोग किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वोल्टेज लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है, फेज के फॉर्म में भी हो सकता है, करंट भी लाइन फेज दोनों फॉर्म में हो सकती है, पावर का एक्सप्रेशन भी लाइन और फेज दोनों के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इंपेडेंस का एक्सप्रेशन जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन इन द टर्म्स ऑफ फेज, उसको लाइन के फॉर्म में कभी नहीं चेंज किया जा सकता। लाइन इंपेडेंस का फॉर्म जो है वो इसको नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। जनरेटर के फ्रंट साइड पर रहता है, यस। शशिकांत ने लिखा हुआ है कि सर मैं सीरीज नंबर 1 से वीडियो देखना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है, क्या आप सीरियल नंबर शो करेंगे बोर्ड पर, हम देख लेंगे प्लीज़। अच्छा, सीरीज नंबर 1 से, अच्छा पहला जो वीडियो रहा होगा उससे, तो मैं एक काम करूँगा कल के सेशन के लिए ना मैं एक स्क्रीनशॉट रख लूँगा, स्क्रीनशॉट में आपको स्टार्टिंग की वीडियो से दिख जाएगा, क्योंकि जब तक प्लेलिस्ट अपलोड होगी अदरवाइज तब तक देरी हो जाएगी आपको, है ना। तो मैं एक स्क्रीनशॉट में आपको पूरा लिस्ट दिखा दूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा टॉपिक वाइज पूरा दिख जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ क्या है, और इफ पॉसिबल तो मैं ग्रुप में आप लोग को एक लिस्ट बना के भेज दूंगा कि टॉपिक वाइज नाम लिखा रहेगा कि किस दिन क्या टॉपिक हुआ था, है ना, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ढूंढने में। चलिए ठीक है,
तो ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ फेज. तो मान लीजिए अगर मैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात करता हूँ ना, लेट अस सपोज पहला कनेक्शन हम लोग लेते हैं स्टार कनेक्शन. उससे भी पहले लाइन एंड फेज क्वांटिटी लिख लेते हैं. सबसे फर्स्ट लाइन क्वांटिटी, किसको बोलेंगे? देखिए लाइन क्वांटिटी एक अलग फॉर्म है. आप अगर ये सोचे कि लाइन क्वांटिटी सर मैग्नीट्यूड किस तरीके से एक्सप्रेस होगा, तो मैग्नीट्यूड तो चाहे लाइन का फॉर्म हो चाहे फेस क्वांटिटी हो, वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन के ऊपर कि कहाँ की क्वांटिटी है. लेकिन मैग्नीट्यूड में उसका कोई असर नहीं पड़ता है. मैग्नीट्यूड तो आपका आरएमएस है तो आरएमएस ही रहेगा, उसमें देयर विल बी नो चेंज. सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल, दीज आर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, these are the electrical parameters which are present, which are present in the external terminals, in the external terminal. बस इतना ही लिखते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखते हैं इसमें. एग्जाम में अलग से ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन का ये पार्ट होता है. इससे अलग से कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि डिफाइन द लाइन क्वांटिटी एंड फेस क्वांटिटी, बहुत रेयर. नेक्स्ट होता है फेस क्वांटिटी. अगला जो होता है दिस इज फेस क्वांटिटी. तो ये क्या होता है भाई? फेस क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं दोज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, दोज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज विच आर, विच आर प्रेजेंट इन द इंटरनल सेगमेंट ऑफ कनेक्शन आर टर्म्ड एज फेस क्वांटिटीज. ठीक है, इनको फेस क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं. हाँ, क्लासेस नंबर वाइज ईजिली मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है शगुन, वन लाइन. ठीक है, आसिफ ने खूब बार लिख दिया है कि प्लेलिस्ट बना दीजिए सर. मैंने भी इतने ही बार बोल दिया है, जितनी बार आप लिखे हो उतनी बार मैंने बोल दिया है, तो बिल्कुल बन जाएगा. आप अभी और लिख रहे हो, चलो ठीक है. जितनी बार अभी और लिख रहे हो उतनी बार मैं और बोल दूंगा. ठीक है, कोशिश पूरी है कि प्लेलिस्ट बन जाए, जल्दी से बन जाए. ठीक है. आसिफ काउंट करना पड़ेगा कितनी बार लिखे हो, उतनी बार बोलना पड़ेगा मुझे, है ना? चलिए ठीक है. सो लाइन क्वांटिटी एंड फेस क्वांटिटी, ये समझ आता है. डायरेक्टली स्टार कनेक्शन से शुरू करते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगी. स्टार कनेक्टेड सिस्टम, स्टार कनेक्शन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. स्टार कनेक्टेड सिस्टम किसको बोलते हैं? चलिए पहले तो स्टार बना लेते हैं. और एक अजम्पशन लेने वाले हैं हम लोग. अजम्पशन ये है, सीधा सिंपल सा अजम्पशन है. अजम्पशन ये है कि एंड सेम आ गया, थैंक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट. अरे यार, मैं तो देखता ही हूँ ना यार, आप लोग किसी एक बच्चे का एक भी कमेंट आता है ना प्लेलिस्ट के लिए, तो वो मेरे माइंड में रह जाता है. मुझे पता रहता है कि प्लेलिस्ट कितना रिक्वायर्ड है. मैं बोल दिया ऑलरेडी, सब अपने काम में सब बिजी हैं, तो थोड़ा सा वो प्रायोरिटी में नीचे चला जाता है. मुझे बनाने का होता तो मैं बना दिया होता, अभी तक मैं खुद ही बना दिया होता, तो बनवा दूंगा मैं एकदम जल्दी से ना. मैं पीछे पड़ के ये वाला चीज़ जो है मैं एकदम फटाफट से जल्दी से करवा दूंगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहो. हाँ जी, तो कंडीशन ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास थ्री फेज जनरेटर वाइंडिंग्स है ना. थ्री फेज का एक जनरेटर है और उसकी वाइंडिंग्स लगी हुई है यहाँ पे. ठीक, अब ये जो थ्री फेज जनरेटर वाइंडिंग्स है इसकी बात करना है. इसका पूरा का पूरा कनेक्शन सिस्टम हमको देखना है और इसके अंदर लाइन और फेज क्वांटिटी का एक्सप्रेशन चाहिए सबसे पहले तो. ठीक, तो क्या सिनारियो है ये मैं बता रहा हूँ. सिस्टम में देखिए क्या क्या पता होना चाहिए. जब भी आप एग्जाम में थ्योरी लिखें या जब भी इसका डेरिवेशन बनाएं, तो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक रहनी चाहिए. लेट अस अज्यूम दैट a balanced three phase star connected
स्टार कनेक्टेड, जनरेटर वाइंडिंग, जनरेटर वाइंडिंग्स। हाँ, यहां से इस पॉइंट से जो मैं अभी लिख रहा हूं, ये आपका 7 मार्क्स का डेरिवेशन शुरू होता है ना। मतलब मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, 7 से 10 नंबर में पूछता है, बट ये हायर ग्रेड मार्क्स के लिए है। यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होता है, एक डेरिवेशन, ठीक है। यहां से जो डेरिवेशन का पार्ट है ये बिगिन होता है। यस, तो लिखा हुआ है कि लेट अस अज्यूम दैट बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड जनरेटर वाइंडिंग्स आर शोन, ठीक है। अब चलिए ये वाइंडिंग का मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक्स जो है वो बताता हूँ जल्दी से। इस वाइंडिंग का मैं जल्दी फटाफट से आप लोगों को पूरा बेसिक्स दिखाता हूँ किस टाइप से ये वाइंडिंग बनी है। तो ये एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है हमारे पास, ऐसा कुछ, ठीक। अब इसके अंदर बैलेंस 3 फेज जो जनरेटर है हमारा, उसकी वाइंडिंग है। अब जनरेटर की वाइंडिंग है तो करंट की डायरेक्शन आप पहले ही समझ चुके होंगे कि करंट यहां से जनरेट होके बाहर की तरफ जाने वाली है। इसकी जगह अजम्पशन में अगर मैं लोड लिखा होता तो आप समझते कि करंट बाहर से अंदर आने वाली है। तो पूरा खेल ये डायरेक्शंस का है, और जो फेजर आपका एंड में बनेगा उसमें वो डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो इसीलिए शुरुआत में डिफाइन करना जरूरी है दो चीज़ें। कौन कौन सी दो चीज़ें? कि सबसे पहले हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, सिस्टम हमारा बैलेंस्ड है। इसके बैलेंस होने से कुछ शुरुआती आइडेंटिटी आएगी जो आपको पता रहे, और 3 फेज स्टार कनेक्टेड है, ठीक है। जनरेटर का वाइंडिंग है ये भी पता रहना चाहिए। ये सब चीज़ लिखने का बेनिफिट ये है कि आपको करंट की डायरेक्शन बताने में आसानी हो जाएगी, आपको फेज सीक्वेंस में कैसा रोटेशन हो रहा है वो बताने में आसानी हो जाएगी, आपको वाइंडिंग में क्या रखना है, रजिस्टर रखना है कि रिएक्टेंस रखना है, क्या शो करना है वो दिखाने में भी आसानी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ कुछ पोर्शन है जो आप आसानी से अज्यूम कर पाएंगे अगर आपने शुरुआत में चीज़ लिखा है तो, ठीक है। सूर्यकांत ने लिखा कि सर इसमें बैलेंस वर्ड क्यों आता है? बैलेंस वर्ड जानने के लिए आप पिछला एपिसोड जो है उसको देखिए। बैलेंस वर्ड का मतलब ये होता है, बैलेंस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन। सिमेट्रिकल कंडीशन बोलने का मतलब ये है कि जब आपने जनरेशन का सीन देखा होगा 3 फेज का, उसमें मैंने एक कंडीशन बताया था कि अगर तीनों कॉयल, जिस 3 कॉयल को आप मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हो, तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ टर्न है, सेम कॉपर का अगर वायर आप यूज़ करो, उसकी थिकनेस भी एकदम बराबर है, लंबाई भी एक बराबर है, नंबर ऑफ टर्न भी सेम है, बस एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। तो ऐसे कंडीशन में ये लोग जो मैग्नीट्यूड बनाएंगे ईएमएफ की, या करंट जो इंड्यूस कराएंगे ये लोग, उन सबकी मैग्नीट्यूड एकदम बराबर रहेगी, उनकी पीक वैल्यू भी एकदम बराबर, उनका एक हाफ साइकिल का एवरेज भी एकदम एक दूसरे से बराबर, बस 120 डिग्री शिफ्टेड होंगे ये लोग। तो ऐसे किसी भी सिस्टम को हम सिमेट्रिकल या बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, जिसके तीनों फेज के लोड एक बराबर हो, या तीनों फेज की सप्लाई जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एक बराबर हो, और जो इसका विपरीत है वो अनबैलेंस सिस्टम है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम कहलाता है। तो यहां पर इसमें क्या कंडीशन है कि यहां पर जो भी हम कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं, अगर एक जनरेटर है ये 3 फेज का, अगर ये मान लीजिए 300 वोल्ट बनाता है, तो इसकी दूसरी वाइंडिंग भी 300 वोल्ट ही बनाएगी और तीसरी वाइंडिंग भी 300 वोल्ट ही बनाएगी। बस इतना होगा कि ये पहले बनाएगा, ये इससे 120 डिग्री पीछे है तो ये कुछ देर के बाद बनाएगा, और ये पहले वाले से 240 डिग्री पीछे है तो काफी देर के बाद ये बनाएगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज एकदम कोई अंतर नहीं रहेगा इनके आउटपुट में। यही अगर अनबैलेंस सिस्टम होता तो क्या होता, भाई इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2, इसमें नंबर ऑफ टर्न N3, तीनों अलग अलग, तो तीनों से बनने वाला आउटपुट भी है। भाई ईएमएफ कैसे लिखते हो आप, E = -NdΦ/dt, तो n नंबर ऑफ टर्न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहां पे, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न जिसकी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा ईएमएफ बनेगा, उतने ही रोटेशन में जिसकी कम होगी उसमें कम ईएमएफ बनेगा, तो अनबैलेंस सिस्टम कहला जाएगा वो, दैट विल बी अनसिमेट्रिकल अनबैलेंस सिस्टम। तो इसीलिए इस सबको हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अब उस केस में देखिए क्या हो रहा है, तो क्वांटिटीज को लाइन और फेस के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करने जाऊं तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन इसमें समझना बहुत जरूरी है, एक बार इसको समझ गए तो एग्जाम में आप लोग बना लेंगे। सबसे पहले यहां पर न्यूट्रल, स्टार कनेक्शन में बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल खुद से क्रिएट हो जाता है ना, हमको एडिशनल अलग से वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। सब पीएसए में आप पढ़े होंगे कि स्टार कनेक्शन जब भी हम करते हैं तो न्यूट्रल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, डेल्टा में हमको चौथे वायर की जरूरत पड़ती है, स्टार में ऐसा कुछ नहीं होता, स्टार में ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पड़ता है। और न्यूट्रल पोर्शन जो होता है, न्यूट्रल या ग्राउंडेड पोर्शन इसको भी हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रल पर ओवरऑल अगर आपका सिस्टम बैलेंस है तो करंट्स का नेट सम ऑन न्यूट्रल विल ऑलवेज बिकम जीरो, यानी कि ये तीनों सेगमेंट्स की जो करंट है इसका नेट सम इस पॉइंट पर आके जीरो हो जाता है, केसीएल यहां पर प्रॉपर फॉलो हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब इसके बाद इंटरेस्टिंग पार्ट जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड, हाँ पिछला एपिसोड भी, तो चलिए अब ये न्यूट्रल है, लेट अस सपोज कि ये इस फेजेस को हम लोग इस फॉर्म में शो कर रहे हैं, आर वाई और बी।
ये क्यों ऐसा, पिछली क्लास में याद करिए फेस सीक्वेंस पढ़ा था हम लोगों ने, ये फेस का सीक्वेंस है। कलर कोड के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि आर फेस सबसे आगे चल रही है, वाई फेस सेकंड नंबर पे 120 डिग्री पीछे, और बी फेस जो है वो 240 डिग्री पीछे चल रही है आर से। इस हिसाब से इसकी कलर को इसकी कोडिंग होती है। तो आर वाई बी से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी है वोल्टेजेस की। देखिए जनरेटर है ना, तो जनरेटर है तो करंट इस कॉइल से निकल के बाहर जानी चाहिए। उस हिसाब से यहाँ से करंट जाएगी, इधर से करंट जाएगी और इधर से करंट जाएगी। सिमेट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। करंट का नाम क्या लिखूँ मैं, करंट हो जाएगी आई एन आर। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी भी किताब से अगर आप पढ़ रहे हैं और उस बुक से पढ़ने के दौरान आप इस थ्योरी को ज़रूर से देखिएगा किसकी थ्योरी के हिसाब से वो सर्किट बनाया है। अगर उसने यहाँ पर इम्पीडेंस अज्यूम किया है या लोड अज्यूम किया है तो ये करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो आप उससे घबराइएगा मत कि सर हम करंट ऐसा पढ़े थे बाहर निकलता हुआ और करंट यहाँ इनकमिंग आ गई। टेंशन की कोई बात नहीं है, हम जनरेटर ले रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं करंट बाहर जाएगा, क्योंकि जनरेटर इसकी हर वाइंडिंग करंट जनरेट करके बाहर भेज रही है हमको बाहर। लेकिन अगर इसकी जगह पे लोड होता तो करंट इनकमिंग होती, तो हर जगह आपको करंट ऐसी दिखाई देती, ऐसा लिखा होता, आई आर एन हो जाता है। नाम में अंतर देख रहे हैं, एन आर बता रहा है कि एन से निकल के आर की डायरेक्शन में जा रही है करंट, आर एन बता रहा है कि आर से एन की तरफ आ रही है करंट। तो नाम इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी ने लिखा है कि रंजन सर होमवर्क का एसी सर्किट्स का पेंडिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दीजिए प्लीज। होमवर्क का एसी सर्किट का न्यूमेरिकल एक बार मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड कर दीजिए, मैं टेलीग्राम पर ही आपको भेज दूंगा उसका सोल्यूशन, कॉमन वाले ग्रुप पे, मतलब जिसमें सब जुड़े हुए हैं, ताकि सभी बच्चे अगर बनाए भी होंगे तो उनको डाउट भी अगर होगा तो उससे क्लियर कर लेंगे वो लोग। अभी मैं इसमें बताऊंगा ना तो ये बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको टॉपिक, बट हाँ सेपरेटली अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं सेशन में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ना मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। तो टेलीग्राम पे तो एटलीस्ट मैं भेज दूंगी, अभी का काम आपका चलता रहे, कुछ रुके ना, डाउट ना आए फिर। 120 का सर डेविड ने पूछा हुआ है, 120 डिग्री अपार्ट, इन सबको 120 डिग्री अपार्ट इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि अगर सेम फेज में रखते हैं, अगर नहीं अपार्ट प्लेस करते उससे क्या कंडीशन होती, वो मैंने बताया था आपको जब जनरेशन इसका बताया था मैंने, तो है ना। तो इस रीज़न से हम लोग ऐसा करते हैं, अगर अपार्ट नहीं प्लेस करेंगे तो अन इंटरप्टेड सप्लाई का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा थ्री फेज एसी का है के हेल्प से। मिनट सेकंड, अच्छा मिनट और सेकंड, मिनट और सेकंड का नहीं, उसको कैलकुलेट करते हैं आप इस तरीके से, ओमेगा रेडियन से, ओमेगा दैट इज 2πf, डिपेंडिंग अपॉन कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां से आपको t की वैल्यू चाहिए, देखिए f क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है, आप ओमेगा अपॉन 2π कर दीजिए इज इक्वल टू f, और f की जगह पे आप पुट कर दीजिए 1/t, ऐसा 1/t कर दीजिए दैट इज, और या तो फिर इसको जब टी करेंगे दिस विल बिकम 2π अपॉन ओमेगा, ऐसा करके आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ऐसा करके आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना टाइम पीरियड लग रहा है, खैर चलिए तो वापस इस पे लेके आता हूँ मैं जल्दी से। तो करंट आप देखिए तीनों फेजेस में आई एन आर के बाद इस वाली फेज में होगा आई एन वाई, एन से वाई की तरफ जाती हुई, और इस फेज में आप लिखेंगे आई एन बी, ठीक है, ये करंट्स है। अच्छा आप में से कोई बता सकता है क्या कि ये जो करंट्स मैंने तीन लिखी हुई है ये कौन सी करंट है, लाइन करंट होगी या फेस करंट होगी, क्या बोलेंगे इसको? अभी टाइम डोमेन एनालिसिस जो है ना एडिशनल टॉपिक के तौर पे उसको करेंगे अलग से, मेन पोर्शन का उतना मेजर पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ एडिशनल टॉपिक क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पूछता है इसलिए उसको एज ए एडिशनल टॉपिक मैं सेपरेटली आपको करवाऊँगा, सेपरेटली आप सभी को एडिशनल टॉपिक के तौर पर करवाऊँगा। पंकज लेट हो गए, फेस करंट है ये प्रियांशु, ये ना फेस करंट है, लाइन नहीं है। ये तीनों के तीनों जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अभी फिलहाल जो लिखा है दीज आर ऑल फेस करंट्स, ये एक्सप्रेशन फेस का बना हुआ है, ठीक है, ये सब के सब फेस करंट्स है। आगे चल के आप पढ़ोगे कि स्टार कनेक्शन है तो उसमें लाइन और फेस सब करंट एक ही होती है, बट अभी फिलहाल के लिए तो इसका फेस करंट का एक्सप्रेशन है। अच्छा वोल्टेज कैसे लिखूंगा यहाँ पे, तो देखिए इसकी वोल्टेज लिखेंगे हम लोग वी एन आर, एन से आर के डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी वोल्टेज क्या लिखेंगे वी एन वाई, ये बस नोटेशन ही है मेन, एक बार ये सही से बन गया तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ये सब फेज वोल्टेजेस हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द फेज वोल्टेजेस, ये सब फेज वोल्टेज का एक्सप्रेशन है। वी एन आर, वी एन वाई, वी एन बी, सीक्वेंस में देखोगे तो सबसे आगे चलेगा वी एन आर, उसके पीछे चल रहा है 120 डिग्री पीछे वी एन वाई, और उससे 120 डिग्री पीछे चल रहा है वी एन बी, ठीक है। तो इस तरीके से लीडिंग और लैगिंग का कंडीशन जो है वो है। तो फेस करंट्स है, फेस वोल्टेजेस है। अब लाइन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं जल्दी से, लाइन क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटी चलिए देखते हैं।
तो यहां पर आपका आर फेज है और यहां पर वाई फेज है, इन दोनों के बीच वी आर वाई। अच्छा बताइए, वी आर वाई लिखूं या वी वाई आर लिखूं, आपके अकॉर्डिंग क्या सही रहेगा? अगर मैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पे? वी आर वाई और वी वाई आर, दोनों का मैं बता दूं कि केवीएल आप लोग पढ़ चुके हो, केवीएल के अकॉर्डिंग दोनों का मतलब अलग अलग है। जब मैं वी आर वाई लिखता हूं तो मतलब मेरी करंट जो है वो आर से वाई की दिशा में जा रही है, और जब मैं वी वाई आर लिखता हूं तो करंट वाई से आर की डायरेक्शन में जा रही है। तो अपने अकॉर्डिंग सही क्या होगा? अब मैं यहां पर लाइन वोल्टेज लिखने जा रहा हूं ना, इस सेगमेंट्स के बीच में, आर से वाई के बीच में लाइन वोल्टेज, तो सही क्या है? वी आर वाई सही है कि वी वाई आर सही है? वी एन आर, वी एन वाई, वी एन बी फेज वोल्टेज, ठीक है शकुन, राइट है। डेविड ने लिखा वी आर वाई, प्रशांत ने लिखा वी वाई आर। देखिए इस ये चीज़ को बताने में आपकी कौन सी चीज़ हेल्प करेगी बताऊं? आपको फेज सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को बाय डिफॉल्ट फॉलो किया जाता है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, इसी के आधार पर बनती है सारी चीज़ें। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस जो होता है ये आर वाई बी का फेज सीक्वेंस होता है, ठीक है? तो मतलब सबसे पहले हम R पे रहते हैं, R से Y को देखते हैं, फिर Y से B, फिर B के बाद अगला क्या आता है नेक्स्ट, उसके बाद फिर से यही होगा R Y B, फिर से वही होगा R Y B। तो जब आप सीक्वेंस बनाते हैं, आपकी क्वांटिटीज को जब आप लिखते हैं, तो R से Y V R Y कहलाता है, फिर Y से B V Y B, फिर B से R V B R, ऐसी बनती है वोल्टेजेस, ऐसी करंट्स, करंट तो ऐसे दो के बीच में नहीं रहता है, तो करंट को डायरेक्टली आई आर आई वाई आई बी लिख सकते हो, है ना? बट इसमें जो है वी आर वाई इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि हम पॉजिटिव फेज सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वी आर से वाई की तरफ जा रहे हैं, यानी आर लीड कर रहा है, वाई पीछे चल रहा है, इसलिए बाद में वाई पे पहुंचते हैं, और वाई आर लिख देंगे तो वाई लीड कर रहा है और आर पीछे चल रहा है, तो फेज सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा अपना, ठीक है? तो इसमें ना हर चीज़ का एक मीनिंग होता है कि क्यों लिख रहे हैं ऐसा, तो बस ये आपको एक बार पता चल गया तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, फिर तो तुरंत आपको पता ही रहेगा कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। सबसे पहला वोल्टेज मैंने लिखा वी आर वाई, आर और वाई क्या है, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज है, तो ये कौन सी वोल्टेज होगी? दिस विल बी अ लाइन वोल्टेज। आप बोलोगे सर आर और वाई के बीच की लाइन वोल्टेज है, लाइन पोटेंशियल है, ठीक है? वैसी वाई और वी बी के बीच में भी देखिए, इसको आप क्या लिखोगे? वी वाई बी, देखिए सेकेंड वाला वी वाई बी, ये भी लाइन वोल्टेज है इन दोनों के बीच का, ठीक है? और लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे आप? देखिए वी बी आर, बी से आर पे जा रहे हैं हम लोग, तो इधर पे आप लिखोगे वी बी आर, बिटवीन दीज टू, इनके बीच का सेगमेंट, इन दो टर्मिनल्स के बीच का। तो ये तीनों कौन है? ये तीनों हमारे लाइन वोल्टेजेस हैं, दीज आर ऑल लाइन पोटेंशियल्स, ठीक है? अब वैसे लाइन करंट भी लिख लेते हैं, सेम ऐसे ही इसी हिसाब से लाइन करंट भी लिखते हैं, ठीक है? देखिए अब चूंकि ये जनरेटर है, तो जनरेटर है तो करंट बाहर की तरफ ही जाएगी, ये पहला करंट मैं लिखता हूं आई आर, वाई फेज से बाहर निकलती हुई करंट ये लाइन करंट बन गई आई वाई, और बी फेज से बाहर निकलती हुई करंट लाइन करंट आई बी, तो ये तीनों के तीनों लाइन करंट जो है ये मिल गई मुझे, ठीक है? अब चूंकि मैंने सिस्टम को क्या अज्यूम किया है? बैलेंस। अब देखिए बैलेंस अज्यूम करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको? बैलेंस अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ऐसा पहले से लिख दिए, इससे क्या कर सकते हैं? अब आप लिखेंगे यहां पे लाइन वोल्टेज, वही सिस्टम तो सिमेट्रिकल है, तो लाइन वोल्टेजेस को कैसे लिख सकते हैं? कलेक्टिवली इनको आप बोल सकते हो वी एल, ठीक है? और इसको कैसे लिखोगे आप? वी आर वाई इक्वल्स टू वी वाई बी इक्वल्स टू वी पी आर, सभी लाइन वोल्टेजेस एक दूसरे से बराबर होगी बैलेंस सिस्टम के अंदर, सिमेट्रिकल सिस्टम के अंदर। एक लाइन में जो है सब लाइन में वही है, एक फेज में जो है हर फेज में वही है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है? एजाज ने लिखा है कि सर आपने, अच्छा मुंबई यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्मर ओमिट है, और सर आपने पहले फेज वोल्टेज बोला और अब ये लाइन वोल्टेज बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, फेज क्वांटिटीज़ देखिए, ये सब फेज वोल्टेजेस है आपकी, जो इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर हो रहा है सर्किट के, इसको ऐसे समझिए कि सर्किट के इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर जो भी पोटेंशियल या जो भी करंट डेवलप हो रही है, इनको फेज करंट्स बोलते हैं या फेज वोल्टेजेस बोलते हैं। ये जो मैंने अंदर लिखा, जो कॉयल्स के अंदर जो डेवलप हो रहा है, इस कॉयल में जो डेवलप हो रहा है, ये फेज ई एम एफ या फेज वोल्टेज, ये सब फेज क्वांटिटी कहलाती है। जो बाहरी टर्मिनल में जो वोल्टेज या करंट जो बन रही है, ये सब लाइन क्वांटिटीज़ है, लाइन टू लाइन क्वांटिटीज़ है। ये एक लाइन है,
दूसरी लाइन है, लाइन लाइन दो लाइन के बीच की क्वांटिटी लाइन टू लाइन क्वांटिटी, एक लाइन के अंदर जो क्वांटिटी फ्लो हो रही है वो लाइन करंट है, और फेज की बात हो रही है, जो भी चीज न्यूट्रल से एसोसिएटेड रहेगा वो फेज क्वांटिटी कहलाएगा, इसको आप ऐसा समझ सकते हो स्टार के अंदर। तो एनी क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द न्यूट्रल इन द स्टार फॉर्मेशन विल बी अ फेज क्वांटिटी, ऐसे इसको समझोगे ना तो इसको ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। तन मैंने लिखा कि क्लॉकवाइज फेज चेंज होगा ना, क्लॉकवाइज जो है देखिए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस पे हम चल रहे हैं, तो आर, आर के बाद क्या आएगा अगला वाई, क्योंकि 120 डिग्री पीछे, वाई के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बी, बी के बाद फिर से आर आएगा, फिर से वाई आएगा, फिर से बी आएगा, ये चलता रहेगा लगातार, फेज सीक्वेंस इस ऑर्डर में फॉलो होता रहेगा। तो इसी आधार पर हम लोगों ने लिखा, तो लाइन वोल्टेज को आप लिखोगे वी आर वाई, आर से वाई के बीच में, इक्वल टू वी वाई बी इक्वल टू वी बी आर। सिमिलरली लाइन करंट आई एल, इसको आप लिख सकते हो इक्वल्स टू आई आर आई वाई आई बी, ये लिख सकते हो। तो इसको मैं लाइन वोल्टेजेस से हटा के हेडिंग को लाइन क्वांटिटीज कर देता हूं, एक साथ दोनों को ही लिखा है मैंने, ठीक। और लाइन क्वांटिटीज के बाद साइड में लिख लेता हूं मैं फेस क्वांटिटीज, एक तरफ लाइन क्वांटिटी लिख दी, अब दूसरी तरफ लिख देता हूं फेस क्वांटिटीज, ठीक है। फेस क्वांटिटीज को देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, फेस क्वांटिटी कौन कौन सी है, क्योंकि सिस्टम बैलेंस है इसलिए अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मेट में सबको लिख सकते हो। जैसे मान लो फेस वोल्टेज लिखना है, VPH इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है, कॉमन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए किसके किसके कौन कौन इसके बराबर है, तो फेज में कौन कौन सा वोल्टेज है, आर फेज में एन से आर के बीच में वी एन आर, एन से वाई फेज के बीच में वी एन वाई, और एन से बी फेज के बीच में वी एन बी। तो सिमेट्रिकल सिस्टम है तो इसलिए तीनों फेज की वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होगी, तो आप इसको लिखोगे वी एन आर इक्वल्स टू वी एन वाई इक्वल्स टू वी एन बी। ऐसा सिर्फ तब होगा जब सिस्टम सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम में ये कभी नहीं होगा, है ना। अनसिमेट्रिकल सिस्टम होगा तो कभी नहीं पूछेगा। प्रियांशु ने लिखा कि सर इसका डेरिवेशन कैसे आता है, जिस पॉइंट पे मैंने आपको हेडिंग में लिखवाया ना 7 मार्क्स, यहीं से शुरू हो गया इसका डेरिवेशन। इसके अंदर अब मैं जो भी आपको लिखवा रहा हूँ ये एज इट इज आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर दोगे, मतलब अपने से ऐसा देख के कहीं से नहीं, अपने से आप एज इट इज़ भी अगर लिख के आ जाओगे तो आपका कंप्लीट डेरिवेशन यही है, पूरा डेरिवेशन। इसके ऊपर से आप कुछ कहानी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कि थ्योरी में बता दोगे कि भाई लाइन वोल्टेज है सिमेट्रिकल है इसलिए सब एक दूसरे के बराबर है, लाइन करंट्स है ये सब एक दूसरे के बराबर है, अदरवाइज इतना सफिशिएंट रहेगा। इसे आप पूरा जितना एंड तक जब तक ग्राफ ना बना दूं मैं तब तक जो भी पढ़ेंगे हम लोग वो सब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का पोर्शन का एक क्वेश्चन का पोर्शन है। ऐसे ही डेल्टा का भी पूछ सकता है, डेल्टा और स्टार में से कोई एक पूछता ही पूछता है। हाँ मनोज, मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड्स है, ये पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड्स है अलग अलग, बट सब अलग अलग फेज में, सब एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इनकी फेज क्वांटिटीज है तो VPH के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, जैसे VNR इसकी कोई वैल्यू होगी 200 होगी 100 होगी जितनी भी होगी, उतना ही VNY भी होगा और उतना ही VNB भी होगा। तो इनको आप अलग अलग नाम से लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसको आप VPH बोल सकते हो। अच्छा वैसे ही आप करंट के लिए भी करेंगे, जैसे IPH है, फेज करंट को रिप्रेजेंट करने का एक ही फॉर्मूला एक ही तरीका रखते हैं IPH। अब इसमें कौन कौन सी करंट है, INR INY और INB, ये देखिए ये सभी INR N से लेके B के तरफ, N से लेके Y की तरफ, N से लेके R की तरफ, ये सब फेस करंट्स है, इनका एक्सप्रेशन ऐसा बना दिया हम लोगों ने, कलेक्टिवली इसको IPH बोल लो। तो हमको पता है कि सभी फेस वोल्टेज एक दूसरे के बराबर, सभी फेस करंट एक दूसरे के बराबर। लाइन में भी यही सीन था कि लाइन में भी सभी लाइन वोल्टेज बराबर, सभी लाइन करंट्स एक दूसरे के बराबर। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है जो एग्जाम में आपसे पूछता है वो ये बनता है कि ये लाइन वोल्टेज उस फेज वोल्टेज के बराबर है कि नहीं है, या ये लाइन करंट उस फेज करंट के साथ कैसे रिलेटेड है, बराबर है या इक्वल नहीं है, तो फेजर फॉर्म में कैसे सॉल्व करोगे, ये बनता है एक्चुअल क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज करंट्स या लाइन एंड फेज क्वांटिटीज फॉर अ थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम। जैसे ही ऐसे बोलेगा ये जितना डेरिवेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। आईएल कैसे होगा, लाइन करंट, ये देखिए जो लाइन टू लाइन करंट, एक लाइन के अंदर फ्लो होने वाली करंट अगर लोड होता तो इस डायरेक्शन में करंट बनाता मैं, क्योंकि ये जनरेटर है तो जनरेटर बाहर की तरफ दे रहा है हमको करंट, तो इसलिए आईआर आईवाई और आईबी बाहर निकलती हुई करंट है, तो ये एक्सटर्नल टर्मिनल्स की करंट है। आगे चल के आप देखोगे तो आईआर और आईएनआर दोनों एक ही दिखाई देगा आपको, जो करंट निकल रही है सीरीज होने की वजह से इट इज ऑल सेम। तो आप बोलोगे अच्छा लाइन करंट जो है वो फेस करंट के बराबर है अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, तो ये अभी देखेंगे अभी हम लोग।
ठीक है, तो यहां तक तो ओके सबको, यहां तक कोई भी डाउट किसी को भी, इसके बाद आगे चलें। आज थोड़ा सा टाइम मैं ज़्यादा लेने वाला हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लूँगा, इसका डेरिवेशन करा के ही मैं आप लोगों को फ्री करूँगा, जिसमें अगले आधे घंटे शायद और लगें, नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो अभी नाश्ता, अभी खाना वाना खाने का कुछ ऐसा ख्याल आया होगा, तो ख्याल दिल से निकालना पड़ेगा आपको आधे घंटे के लिए, तो इतना टाइम मैनेज कर लेंगे ना आप लोग आधे घंटे और। लाइन करंट टू, तो दो फेज के डेविड, एक बार फिर से लिखिएगा ना, कमेंट में समझ नहीं पाया आपका। ठीक है, लगभग आधे घंटे लगेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन अब आज शुरू किए हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज कल इसी को पढ़ेंगे ना, तो आधी चीज़ों की कनेक्टिविटी हट जाएगी माइंड से। अभी एक सिंक में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो मज़ा आ जाएगा। तो किसी को भूख तो नहीं लग रही है ना, थोड़ा बहुत, नहीं तो खाने की थाली आप लेके बैठ सकते हो, थोड़ा थोड़ा खाते खाते देखते रहो इसको, कहानी टाइप से, तो भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। अरे यार मनोज, थैंक यू सो मच माई डियर, ऐसा बोल के एकदम आप लोग ना इमोशनल कर देते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके जल्दी से जल्दी एकदम कंप्लीट करवाता हूँ आप लोग को, ठीक है, एकदम फटाफट से करवाता हूँ, लेकिन ऐसा कि समझ में भी आए। तो फेस क्वांटिटीज मिल गई हमको। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे क्या डेविड, एक बार मुझे बताइए, लाइन करंट तो टू फेज के मध्य होता है ना। देखिए बेटा, करंट जो है, वोल्टेज का डेफिनेशन आप पढ़े हो ना शुरू से, वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब जैसे ये कंडक्टर है, रजिस्टर है, इसका शुरुआती पॉइंट वन और दूसरा एंडिंग पॉइंट टू, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का अंतर होगा, जिसको विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, वो जो होगा वो कहलाता है पोटेंशियल। करंट ऐसी थोड़ी ना होती है, करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट। तो करंट में दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस नहीं निकालना होता हमको, करंट जो है इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ चार्जेस जो किसी एक कंडक्टर के अंदर से डायरेक्टली हो सकती है, उसको दो पॉइंट्स के बीच का अंतर जो है वो नहीं चाहिए होता है। 5 तारीख को गेट का एग्जाम है रौनक ने लिखा हुआ है, तो आधे घंटे तो मैं ले ही लूँगा रौनक, आज आधे घंटे मुझे दे दो, उसके बाद आप आराम से गेट की प्रिपरेशन करो, पूरी रात पड़ी हुई है। अरे अभी तक प्रिपेयर कर लियोगे, अभी रिवीजन मोड में चल रहोगे ना, अभी तो रिवीजन कर रहोगे, अभी तो टेस्ट लगा रहोगे इस टाइम पर, तो ये तो टेस्ट वाला पॉइंट है, इस समय कौन पढ़ता है, अभी बहुत प्रेशर चल रहा होगा माइंड में, है ना, अभी तो बहुत टेंशन चल रहा होगा। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं आगे। अब लाइन एंड फेस क्वांटिटी तक तो हम लोग पहुंच गए, अब रिलेशन देखना है, दो चीज़ों का रिलेशन पूछेगा आपसे। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस क्वांटिटीज, लाइन एंड फेस सबसे पहले करंट ही लिख देता हूं, चलो लाइन एंड फेस करंट्स इन अ बैलेंस्ड थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही आपको वोल्टेज का भी करना है, ये दोनों मिला करके फिर आपका एक डेरिवेशन पूरा होता है। एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, थ्री फेज लाइन और फेज क्वांटिटी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा पूरा टिल द एंड, और जिस भी पॉइंट पे ना समझ में आए तुरंत के तुरंत पूछते जाएगा, ठीक है, जितने भी डाउट आए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो डाउट को, डाउट आना भी जरूरी है, तभी क्लियर होगा। हाँ जी, अरे वाह रौनक, मजा आ जाएगा फिर तो, बहुत ही सही है। डेल्टा कल पढ़ेंगे प्रियांशु, डेल्टा कल करेंगे, आज सिर्फ स्टार बस कराऊंगा। रौनक ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर, बहुत अच्छा करोगे, बहुत ही मस्त करोगे फिर तो, आप बढ़िया करो, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना, और मतलब ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, लेकिन नर्वस भी नहीं होना है, ये भी चीज़ है, कूल रहना, एकदम काम रहना, मस्त प्रॉपर अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, इस आखिरी के ड्यूरेशन में ना तबीयत का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में अभी मैग्नेटिक सर्किट पे ही नहीं पहुँचे हैं शिवांश, हम लोग मैग्नेटिक सर्किट नहीं किए हैं, उसको स्किप कर दिए हम लोग, यहाँ पे पहले एसी और थ्री फेज एसी कर रहे हैं, मैग्नेटिक करने वाले थे बट उसे स्किप करके एसी पे आ गए हम लोग पहले। चलिए देखते हैं, तो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस करंट्स, सबसे पहले लिखेंगे INR। देखिए हमारे पास कितनी लाइन करंट्स है, 3 लाइन करंट्स है, कौन कौन सी, IR, IY और IB, यही 3 लाइन करंट्स है ना, इनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा IR बराबर INR है, सीधे सीधे INR के बराबर है,
वैसी आई वाई को देखिए, ये लाइन करंट, ये स्पेस करंट के बराबर है आई एन वाई के, और आई बी जो है वो आई एन बी के बराबर है। तो सब कुछ मिला के आप ये बोल सकते हो कि जितने भी लाइन करंट्स है ये सब फेस करंट्स के बराबर। इसमें कोई लॉजिक, कोई मैंने थ्योरम यूज़ किया, कोई लॉ यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन। ये आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, ये आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से कि लाइन करंट, भाई इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लाइन करंट, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फेस करंट्स। तो फॉर अ बैलेंस थ्री फेस स्टार कनेक्टेड सिस्टम ऑल द लाइन करंट्स आर इक्वल टू फेस करंट्स। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगा ये, ठीक है। सीरियल वाइज सब्जेक्ट शो नहीं करेंगे बोर्ड पर, अरे यार शशिकांत थैंक यू सो मच माय डियर। नहीं मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोग से और इसको कंप्लीट करा के आप लोग को फ्री कर दूंगा। मुझे पता है यार आप लोग दिन भर से पढ़ रहे हो, खाना वाना खाने का टाइम से लेकर हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, तो ठंडी के सीजन में मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी घर पर ठंडा खाना खाए, अभी मेरी वजह से है ना, तो ये नहीं करना है। बस थोड़ा सा टाइम और इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन करंट्स का केस समझ में आ गया, स्टार का केस अगर है तो लाइन करंट्स फेस करंट्स के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा डेरिवेशन जो आपको करना है, अब डेरिवेशन क्या है, एक्सप्रेशन था जस्ट कि रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस वोल्टेजेस। रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेस वोल्टेजेस क्या होगा ना, कि ये जो दो टॉपिक्स हैं, ये जो स्टार का आज पढ़ेंगे और कल डेल्टा का जो पढ़ेंगे हम लोग, ये दो टॉपिक से ही पूरा न्यूमेरिकल बनेगा आपसे। बाकी सिंगल फेज एसी में जो कंसेप्ट सीखे हो वो कंसेप्ट रहेगा, प्लस नया जो रहेगा वो यही रहेगा। तो ये दो लेक्चर आज और कल का जो बच्चा अटेंड कर लिया ना, थ्री फेज का पूरा हार्ट इसी के अंदर बसता है, यही लाइन और यही कनेक्शन वाले पार्ट में। कनेक्शन जो समझ गया फिर उससे पूरा थ्री फेज बनेगा। अगर सिंगल फेज किसी ने पढ़ा है और थ्री फेज में वो कनेक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया तो पूरा 100% न्यूमेरिकल लगभग बना लेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको मैं आज करा देता, आज सिंक में है हम लोग तो लगातार पढ़ी लेंगे इसको। थैंक यू सो मच प्रियांशु, थैंक यू सो मच यार। तो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस, ठीक है। तो इसको भी जरा चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी डायरेक्टली मिल जाए। तो आई एन आर इक्वल टू आई आर वाई, ऐसा बोलने की मैं कोशिश कर रहा था बट ऐसा हुआ ही नहीं। हमको देख के समझ में आया कि आई आर वाई तो पूरा यहां तक है, वी आर वाई तो पूरा यहां तक है नीचे तक, वी एन आर तो बस इतना ही पोर्शन है। लेकिन एक चीज दिखा कि R से Y फेस के बीच का जो टोटल वोल्टेज है वो वी आर वाई है, लेकिन अगर मैं फेज वोल्टेज के फॉर्म में बात करूं तो वी एन आर और वी एन वाई दो फॉर्म में एक्सप्रेस किया मैंने इस लाइन वोल्टेज को। तो ये लाइन वोल्टेज अकेले किसी एक के तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये लाइन वोल्टेज इन दो फेज वोल्टेज के कुछ कॉम्बिनेशन से बनेगा, इतना तो समझ आ रहा है। ऐसी नॉर्मली एकदम लेमैन वाले टर्म में भी अगर मैं बोलूं तो इतना समझ में आ रहा है कि ये लाइन वोल्टेज का एक्सप्रेशन इन दो फेज वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है, पॉसिबल है, डायरेक्टली तो इक्वल नहीं है किसी से भी, तो ऐसा कुछ करके बनाना पड़ेगा, है ना। तो जब मुझे वोल्टेजेस का एक्सप्रेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा लॉ सबसे ज्यादा सूटेबल है, जो डीसी नेटवर्क्स में आपने पढ़ा था केवीएल केसीएल, उसमें से कौन सा लॉ सबसे ज्यादा ईजी पड़ेगा, तो भाई आप केवीएल लगा सकते हो। और केवीएल अगर लगाना है तो आपको मैश एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर से सुनिए पूरी चीज, मुझे ये तीनों लाइन वोल्टेजेस को फेज वोल्टेज के फॉर्म में दिखाना है, जैसे मैंने अभी लाइन करंट को फेज करंट के फॉर्म में दिखाया, डायरेक्टली इक्वल, आई एन आर इक्वल टू आई आर, वहां तो बात बन गई। अब मुझे ये वी आर वाई को इन फेज वोल्टेजेस के फॉर्म में दिखाना है, तो क्या डायरेक्टली इक्वल है क्या, नहीं है, लेकिन इतना दिख रहा है कि ये वी आर वाई वी एन आर और वी एन वाई के कॉम्बिनेशन के बराबर है। तो मतलब हर लाइन वोल्टेज दो दो फेज वोल्टेज के कॉम्बिनेशन से आएगी। उसी का पता लगाने के लिए कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा मुझे केवीएल लगाना पड़ेगा, और केवीएल लगाने के लिए मुझे मैश चाहिए। तो अब मैश एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन करने के लिए, ठीक है। अब इसका मैश एनालिसिस करेंगे, ठीक, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच सगुन, बट आप लोग इतने कंसिस्टेंटली सुनते हो, अभी देखो टाइम एक्स्ट्रा भी मैं ले रहा हूँ तो भी आप लोग खाना पीना छोड़ के देख रहे हो लेक्चर, इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। मतलब इससे बड़ा हम लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि अब इसके जगह आप लोग ये बोलते हैं कि सर अब आप पढ़ाते रहो हम तो जा रहे हैं खाना खाने, तो वो बात अलग रहती, फिर मैं भी बोलता कि छोड़ो यार फिर कल ही देख लेंगे करके। बट आप लोग की एनर्जी का लेवल जो है वो टीचर को ड्राइव कर देता है कि भाई कंप्लीट करा देगा सारी चीज़ें, तो ये बड़ा फैक्टर होता है। तो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा अप्लाइंग, डायरेक्ट लिखते हैं अप्लाइंग केवीएल। अब
तीन लाइन वोल्टेजेस है तो तीन मेश पता करने पड़ेंगे हमको कि उस तीनों मेश के अंदर वो लाइन वोल्टेज और उसके रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज सब आ जाए, ठीक है। तो तीन मेश चाहिए, तो पहला मेश कौन सा रहेगा, देखिए पहला मेश मैं ले रहा हूं एन आर वाई एन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अप्लाइंग केवीएल इन मेश, ध्यान से देखिएगा बस मेश को समझे तो सब सही रहेगा, एन आर वाई एन इस मेश के अंदर, ताकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीजें फॉलो होती रहे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीजें फॉलो होती रहे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन का डेफिनेशन एजाज लिखने की नीड नहीं है खास, जो हम लोगों ने पिछले केस में लिखा था ना कि लेट अस अज्यूम कि हमारे पास थ्री फेज की बैलेंस सिस्टम है, बैलेंस सिस्टम है तो हर जगह लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज सब एक दूसरे के मतलब लाइन वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर, लाइन करंट्स एक दूसरे के बराबर, फेज वोल्टेज एक दूसरे के बराबर, फेज करंट्स एक दूसरे के बराबर, इतना लिख दिया कि भाई थ्री फेज बैलेंस सिस्टम है। अब आगे लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेजेस, एग्जामिनेशन में ये सब आप लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली अच्छा रिच बना देगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब सोल्यूशन को थोड़ा सा और रिच बनाएगा। बट मैं डायरेक्टली मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ आपको कि डायरेक्टली लिखेंगे अप्लाइंग केवल इन एन आर वाई एन, हेडिंग तो ऊपर लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज निकाल रहे हैं। अब केवल अप्लाई करेंगे तो देखिए एन से आर की तरफ जा रहे हैं, नाम क्या होना चाहिए वोल्टेज का, वी एन आर लिख देता हूँ इसको मैं, वी एन आर, ठीक है पॉजिटिव। फिर इधर से हम लोग आर से वाई की तरफ जा रहे हैं, आई विल राइट इट एज वी आर वाई, क्या लिखूंगा इसको मैं, प्लस वी आर वाई, ठीक है। फिर हम लोग यहां से घूमते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो y से n की तरफ जा रहे हैं, बिना देखे बताइए नाम क्या रहेगा, वी वाई एन, क्या नाम रहना चाहिए इस वोल्टेज का, वी वाई एन, क्योंकि y से n की तरफ जा रहे हैं। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, वी एन वाई, मतलब इसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो n से y की तरफ हो रहा है, उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो साइन क्या लगेगा, माइनस इक्वल टू जीरो, ठीक है इक्वल टू जीरो। अभी दूसरी चीज ध्यान से देखिए, ये वी एन आर और वी एन वाई जिसको व्हाइट कलर से लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये लोग फेज वोल्टेज है, और ये येलो कलर से जो वी आर वाई लिखा है लाइन है, तो मुझे लाइन वोल्टेज को इन्हीं के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ठीक है इसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। ये अमेरिका से है, ये दोनों हिंदुस्तानी है, तो अब इसको लिखेंगे वी आर वाई इज इक्वल टू, वी आर वाई इज इक्वल टू वी एन वाई माइनस वी एन आर, ठीक है वी एन वाई माइनस वी एन आर, ऐसा लिख देता हूँ मैं। इसमें एक चीज़ और अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ दूँ, इसके ऊपर कोई वेक्टर का सिंबल नहीं बनाऊंगा, तो ये एक्सप्रेशन टेक्निकली रॉन्ग है, ये एक्सप्रेशन गलत है। शशिका ने लिखा कि सब लोग खा रहे होंगे सर जी, अरे गुड है तो और अच्छा, खाते खाते देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा मेरी टेंशन कम हो जाएगी, चलो कम से कम टाइम पे सब खाना तो खा रहे हैं और देख भी रहे हैं तो बेस्ट पार्ट है, ठीक है। अरे मुझे खुद नहीं पता चलता है शगुन कभी कभी तो टाइम का, है ना, कई बार ऐसा हो गया 10 बज जाता है पूरा, और पिछली बार तो ऐसा हो भी जाता है एक बार। चलिए ठीक है, तो ये वाला पोर्शन समझ में आया आप लोग को, ये जो मैंने इसको प्लस माइनस करके लिखा है, अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये एक्सप्रेशन ही गलत है, क्यों, क्योंकि आप खुद से सोचिए कि वी आर वाई और वी एन आर या वी एन वाई और वी एन आर एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, तो डायरेक्टली अल्जेब्रिक सम हो सकता है क्या, कभी भी, कभी नहीं हो सकता ना, अल्जेब्रिकली कैसे उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो क्वांटिटी सेम फेज में है ही नहीं। तो मतलब ये सब जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ ये सब वेक्टर फॉर्म में, ये सब वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अभी इसको स्केलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी तो ये सब फेजर के फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, सब फेजर का फॉर्मेट। अच्छा, ये लेट इट बी आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन बनाइए। सिमिलरली फिर से आगे लिखते हैं, अप्लाइंग केवीएल, अभी और दो मैश को सॉल्व करना है, सो अप्लाइंग केवीएल इन मैश, अगला मैश कौन सा लें, आप लोग जल्दी से तीनों मैश को आइडेंटिफाई करके रखिएगा, पास होने की ट्रिक अलग से एक सेशन में बताऊंगा मैं, कब एग्जाम सॉल्व बताइएगा एक बार। प्रियांशु ने लिखा हम नहीं खा रहे हैं सर, गजब यार। तो अप्लाइंग केवीएल इन नेक्स्ट मैश, अगला मैश होगा एन वाई बी एन, इन मैश एन वाई बी एन केवीएल लगाते हैं, चलिए जल्दी से केवीएल लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो एन वाई बी एन में जब केवीएल लगाएंगे तो वी एन वाई, देखिए ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, वी एन वाई, ठीक है। यहाँ से गए फिर डाउन, वाई से एन, वाई से बी की तरफ जा रहे हैं तो वी वाई बी, एकदम सही लिखा है, प्लस वी वाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बी से एन की तरफ, तो नाम क्या होना चाहिए वोल्टेज का, वी बी एन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वी एन बी, अपोजिट करंट उल्टी जा रही है इसमें, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस वी एन बी, इसका नाम बी एन मत कर दीजिएगा, तो फेस सीक्वेंस के हिसाब से लिखे है ना, तो ये एकदम सही है,
और करंट बाहर ही निकल रही है, इसलिए उस हिसाब से भी सही है। दिस होल थिंग विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन वोल्टेज है और ये दोनों फेज वोल्टेज है, फिर से इसी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो लिखेंगे देयर फॉर वी वाई बी इज इक्वल टू, वी वाई बी इज इक्वल टू वी एन बी माइनस वी एन वाई। यहाँ जो डेरिवेशन करते हैं इसी का कंसेप्ट आपको जब आप टू वॉट मीटर मेथड पढ़ते हैं, मेजरमेंट में या बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते हैं, तो इसी कनेक्शन का जो डेरिवेशन आप किए हो ना, यही कंसेप्ट वहाँ पे भी काम आएगा दोबारा से। तो ये कंसेप्ट पूरे थ्री फेज में बहुत जगह अप्लाई होगा। तो फिर से ये बात का ध्यान रखते हैं कि सब वेक्टर फॉर्म में है, तो इसके ऊपर जरा वेक्टर की टोपी जो है वो लगा देते हैं। ये सब फेजर फॉर्म में चल रहा है, सब 120 डिग्री अपार्ट है, तो डायरेक्टली प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकता, वेक्टर है, इसको स्केलर में लाएंगे बाद में, है ना। मतलब इसको फेजर से नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आखिरी मैश फिर से लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन मैश, अप्लाइंग KVL इन लास्ट मैश, आखिरी मैश ऐसा बताइए जिसमें वी बी आर भी आ जाए, वी एन आर भी आ जाए और वी एन बी भी आ जाए, ठीक है। कौन सी ऐसी मैश होगी? तो एन आर घूम के पहुंचे यहां पे बी और वापस एन, एन आर बी एन लास्ट मैश, एन आर बी एन, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, एन से आर जा रहे हैं, वी एन आर बिल्कुल सही लिखा हुआ है प्लस में, तो प्लस में हो गया वी एन आर, ठीक है। फिर हम लोग आर से बी पे जा रहे हैं तो क्या नाम होना चाहिए? वी आर बी, ये तो उल्टा हो गया, वी बी आर हो गया, उल्टा हो गया ये तो ना, तुरंत बदल दीजिए आप, माइनस वी बी आर। फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एन आर बी एन, तो हम लोग बी से एन की तरफ जा रहे हैं, तो नाम क्या हो जाना चाहिए? वी बी एन, यहाँ वी एन बी लिखा है तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस वी एन बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एन से बी की तरफ जा रहे हैं तो वी एन बी उल्टा हो गया ये, इसको भी सही करके लिख लीजिए। सो देयर फोर वी बी आर विल बी इक्वल टू, वी बी आर विल बी इक्वल टू वी एन आर माइनस वी एन बी, अगेन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, इन तीनों इक्वेशंस के अंदर मैंने लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में एक्सप्रेस किया, लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि ये सब फेजर फॉर्म में, मुझे एट द एंड स्केलर फॉर्म में एक रिजल्ट चाहिए जिससे कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकूं, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना। मैश टू वाला जो केवल लगाया फिर से बोलना है एक बार, अच्छा ठीक है प्रियांशु, मैं बताता हूँ। मैश नंबर टू ना, मैश नंबर टू ये रहा, ये देखिए प्रियांशु ध्यान से देखिएगा इसको, हम लोगों ने मैश कौन सा लिया? एन वाई बी एन, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ मैश लिया हम लोगों ने, कौन सा मैश? एन वाई बी एन, तो इसी से आपको दिख जाएगा एन से वाई की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी एन वाई, एकदम सही है, ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस में हो गया। फिर वाई से बी की तरफ जा रहे हैं हम लोग तो वी वाई बी, ये भी सही है, प्लस में हो गया। इधर से घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं बी से एन की दिशा में तो वोल्टेज का नाम होना चाहिए वी बी एन, और यहाँ क्या है? वी एन बी, उल्टा है ना ये, क्योंकि करंट बाहर जा रही है एक्चुअल में इसके अंदर से, तो इसलिए इसको माइनस लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। ये केस है, यहाँ तक बोलिए सभी लोग पहुँच गए क्या इस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक के डेरिवेशन के पार्ट पर सब आप लोग आ गए? यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये वेक्टर फॉर्म में आपको तीन इक्वेशन मिली, तीनों इक्वेशन में आपने लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज के फॉर्म में दिखाया है, ठीक है। यही किया ना हम लोग, बेसिकली लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज के फॉर्म में शो कर लिए। तो ये हमारी तीन इक्वेशन है, इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो तीनों लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ चुका है, बस अब इसमें से किसी एक को सॉल्व कर लीजिए। जैसे वी आर वाई का एक्सप्रेशन है आपके पास, वी वाई बी का एक्सप्रेशन है और वी बी आर का एक्सप्रेशन है, ठीक है। देख लीजिए वी आर वाई यहां से शुरू होता है, वी एन वाई माइनस वी एन आर, वी एन वाई माइनस वी एन आर, ठीक है। ये क्या होगा? वी एन बी माइनस वी एन वाई, और ये क्या हो गया? वी एन आर माइनस वी एन बी, यही एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये तीनों एक्सप्रेशन को मैंने एक पेज में लिख दिया ताकि सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी रहे, ठीक है, ताकि वहां से देख देख के हम लोग फटाफट से इसको बना सकें, एक जगह पे लिख दिया। और ये सब के सब वेक्टर फॉर्म में, इतना पता है। अच्छा एक और नोटेशन मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ जल्दी से, एक नोटेशन और मैं याद दिला देता हूँ जो यहाँ पे आप कहीं पे लिखे थे, कहाँ पे लिखे थे? इस जगह पे लिखे होंगे, ये वाले पॉइंट पे लिखे थे, ठीक है। क्या लिखे हुए थे? कि भाई अगर सिस्टम बैलेंस्ड है, फॉर अ बैलेंस सिस्टम, ये लाइन वोल्टेज का नाम चाहे कुछ भी हो, वी आर वाई हो, वी वाई बी हो या वी बी आर हो, सब बराबर है और सबको वी एल लिख सकते हो, ये सब इक्वल है। करंट का भी यही सीन है, और फेज वोल्टेज के लिए भी आप ऐसे लिखे थे ना कि वी एन आर हो, वी एन वाई हो या वी एन बी हो, अगर सिस्टम बैलेंस है तो सब एक दूसरे के बराबर होंगे और इनको वी पी एच बोला जा सकता है।
तो अगर मैं डिराइव कर रहा हूँ कंडीशन को, तो मुझे तीनों के लिए अलग अलग डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी एक को पूरा एंड तक डिराइव कर लूंगा, उससे जो भी रिलेशन आएगा फेज फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में, वही रिलेशन बाकी के दोनों केसेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा 100%। ठीक है, ये बाकी के दोनों केसेस के लिए भी सेम रिलेशन एप्लीकेबल होगा। तो बस किसी भी एक को पकड़ के आप डिराइव कर दो, आपकी मर्जी, आप जिस इक्वेशन को बोलोगे उसको डिराइव कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इनफैक्ट आप कॉपी में अलग अलग डिराइव करिए सब। मैं अगर फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, कोई बच्चा सेकंड को सॉल्व करे, कुछ बच्चे थर्ड को सॉल्व करिए, एट द एंड हम सबका आंसर एक ही आएगा क्योंकि सिस्टम बैलेंस है, 1% भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग इक्वेशन नंबर वन, वेक्टर फॉर्म से उसको मुझे फेजर फॉर्म से वापस अल्जेब्रिक में लेके आना है, तो सबसे आसान तरीका है पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन, यही अप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन वन एंड अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन यहां पे मैं अप्लाई कर दूं तो एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, देखिए इसको मैं लिखूंगा वी आर वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी एन वाई ए स्क्वायर प्लस वी एन आर का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वी एन वाई इंटू वी एन आर इंटू कॉस फाइव, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आपके माइंड में ये तो नहीं आ रहा ना कि सर यहाँ पे माइनस साइन था, आपने बीच में माइनस क्यों नहीं लगाया, तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है। वेक्टर में फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, फेजर फॉर्म में आपने सिंगल फेज में सॉल्व किया है, वहाँ प्लस और माइनस साइन बेसिकली फेज के लीड और लैग कंडीशन को स्टैंड करता है, मैग्नीट्यूड प्लस और माइनस में नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, अच्छा फर्स्ट से ही बनाऊँ, आप भी फर्स्ट को बना रहे हो, ठीक है मैं भी फर्स्ट से ही बना रहा हूँ जस्ट। तो मैग्नीट्यूड पे प्लस माइनस का कोई असर नहीं है, ये सब फेजर फॉर्म में, तो लीड और लैग कंडीशन पे चल रहे हैं लोग, तो इस हिसाब से लिखा। ये वी एन वाई बोलूँ या वी एन आर बोलूँ, है तो सब फेज वोल्टेज ही ना, तो सबको फेज वोल्टेज लिख देता हूँ मैं, वी पी है, जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाना है मुझे। और ये क्या है, दिस इज अ लाइन वोल्टेज, तो मैं अगले सेगमेंट पे इसको मैं वी एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अंदर के जितने भी एक्सप्रेशन है इनको वी पी एच से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसी एक्सप्रेशन को बदल के ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, वी पी एच का स्क्वायर, क्योंकि सब तो इक्वल है ना एक दूसरे के, सभी फेज वोल्टेजेस सभी लाइन वोल्टेजेस, प्लस टू टाइम्स ऑफ वी पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। क्या कोई मुझे बता सकता है कि फाइव जो है ये किसके बीच का एंगल है, यहाँ पे ये जो कॉस फाइव में फाइव मैंने लिखा है, ये किन दो क्वांटिटीज के बीच का फेज डिफरेंस एंगल है, एनी आइडिया? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना एजाज? आपको याद होगा हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने पहली बार इसको यूज करके दिखाया था आपको कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। तब जो दो क्वांटिटीज की हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे हो गया था वी एल माइनस वी सी और यहाँ पर हो गया था वी आर, है ना, तो इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ किया था इसके पैरेलल, और यहाँ से पैरेलल सामने वाली लाइन के पैरेलल, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट था, जो मीटिंग पॉइंट था, यहीं पर बना था हमारा रिजल्टेंट, है ना, इसी पॉइंट पर बना था रिजल्टेंट वी टी, याद है? तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को अप्लाई किया हुआ था, तो सेम वैसी सिनारियो यहाँ पर भी है, सेम वैसी सिनारियो यहाँ पे भी है। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि जो फाई मैं लिखा हूँ, ये फाई किन दो क्वांटिटीज़ के बीच की एंगल है, तो जिन दो क्वांटिटीज़ को आप रिजॉल्व कर रहे हो उन्हीं के बीच की एंगल होती है हमेशा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन वन लिया हूँ, इक्वेशन वन में मैंने इन दोनों क्वांटिटीज़ को रिजॉल्व किया ना, इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो प्लस वी एन आर और प्लस वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच का एंगल होगा वहाँ पे फाई। ठीक है, एंगल बिटवीन वी एन आर एंड सॉरी वी एन वाई एंड वी एन आर, ये प्लस का वी एन वाई और माइनस का वी एन आर, मतलब लैग करता हुआ जो वी एन आर है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वही यहां का फाई होगा। ठीक, सो दिस इज द एंगल बिटवीन, बस एंड पर ही पहुंच रहे हैं हम लोग, दिस इज द एंगल बिटवीन वी एन वाई एंड माइनस ऑफ वी एन आर, आगे चल के ताकि ये याद रहे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को 60 डिग्री रखते हैं अभी के लिए, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों रख रहे हैं, है ना। सो फिर से लिखते हैं वी एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी पी एच का स्क्वायर प्लस वी पी एच का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वी पी एच का स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्रीज। अब अगर इसको कॉस 60 डिग्री मैंने रख लिया तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 1/2, जिससे कि ये पूरा बन जाएगा वी एल इक्वल्स टू, अब 60 मैंने क्यों लिया मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ,
जब मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। 60 डिग्री बोलने का मतलब ये है, मैं आपसे इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच मैं मान रहा हूँ कि 60 डिग्री का डिफरेंस है। वो सच में है कि नहीं है वो फेजर से पता चलेगा हमको, ठीक है? अब वो सच में है कि नहीं है वो फेजर से पता चलेगा। चलिए लिखते हैं। सो दिस विल बिकम कॉस 60 वन बाई टू, टू और टू कैंसिल आउट हो गया, तीनों का वीपीएच स्क्वायर, दिस विल बी थ्री टाइम्स ऑफ वीपीएच का स्क्वायर और फाइनली वी विल गेट वीएल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वीपीएच। ये एक्सप्रेशन बनता है। अभी आप किसी भी इक्वेशन से डिराइव करिए, आपका एक्सप्रेशन यही आएगा। इक्वेशन वन टू और थ्री जिससे भी आप डिराइव करो, क्योंकि सब में तो सब तो इक्वल एक दूसरे के ना, लाइन वोल्टेज हर जगह बराबर है, फेज वोल्टेज हर जगह बराबर है, तो एक्सप्रेशन चाहे कोई भी हो, एक्सप्रेशन एट द एंड आपका यही आएगा, एक्सप्रेशन एट द एंड यही आएगा, वी एल इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी पी एच। मतलब स्टार के केस में ये समझ में आता है कि लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज की रूट थ्री टाइम्स हो जाती है ना, स्टार के केस में। लिख देता हूँ साइड पे, फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन, फॉर अ थ्री फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी लिमिटेशन है। सिर्फ स्टार में ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि डेल्टा में ऐसा हो, और सिर्फ बैलेंस केस में ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि अनबैलेंस केस में ऐसा हो। ये इसकी दो लिमिटेशन है, ठीक है? तो ये कंडीशन हमको मिलती है। अब इसी को अगर आपको कोई बोले कि फेजर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये जो कॉस में सर आपने 60 रखा, ये कैसे रखा, क्यों रखा, ये दो पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आपको इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होता है, ठीक? तो फेजर डायग्राम पे आपको लेके चलता हूँ, ये आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, यहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट है। फेजर कैसे बनेगा बस ध्यान से समझ लीजिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा पूरा इसका फेजर। फेजर बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने जिन क्वांटिटीज को ऐसे शो किया ना, इसी से फेजर बनाना है आपको, है ना? ये जो फेजर फॉर्म की क्वांटिटीज है, इसी से ही पूरा फेजर डायग्राम क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ साइड पे, आप इसको देख देख के बनाइएगा, एग्जामिनेशन में भी आप इसे देख करके बना सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास ही रहेगा। ये फेजर के खत्म होते ही आपका एक 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रिजल्टेंट है और ये कंपोनेंट्स है, तो ये आपकी फेज क्वांटिटीज आपको सबसे पहले बनानी चाहिए। फेज क्वांटिटीज, दो फेज क्वांटिटीज का रिजल्टेंट एक लाइन क्वांटिटी है, इतना तो क्लियर है हमको, है ना? दो फेज क्वांटिटी की जो रिजल्टेंट है वो आपकी एक लाइन वोल्टेज है। जैसे दो फेज वोल्टेज को सॉल्व करोगे एक लाइन वोल्टेज आएगा, ऐसा है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, फेज वोल्टेज बनाओगे। फेज वोल्टेज में सबसे आगे कौन सा क्वांटिटी चल रहा है? सक्षम ने लिखा कि सर ट्रांसफॉर्मर कब से स्टार्ट होगा, और अभी लिखा कि सर टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का क्लास कब होगा? जल्दी ही बताऊंगा अभी किस चीज़ का, ठीक है? इसका क्लास ना जल्दी प्लान करते हैं, इनफैक्ट हो सके तो थ्री फेज खत्म करने के बाद मैग्नेटिक से पहले इसी को करेंगे, क्योंकि वो एसी से जुड़ा हुआ है ना, तो वो साथ साथ में समझ भी आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज में सबसे आगे कौन चल रहा है? वी एन आर चल रहा है। सबसे पहले वी एन आर बना देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये बना लिया मैंने वी एन आर, ठीक है? ये बना दिया, मान लीजिए वी एन आर, दिस इज वी एन आर, ठीक? इससे 120 डिग्री पीछे कौन होगा? इससे 120 डिग्री अपार्ट वी एन वाई, पहले फेज वोल्टेज ट्रेस कर रहा हूं मैं, ठीक है? इससे 120 डिग्री पीछे कौन होगा? वी एन बी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये लाइन की लंबाई बिल्कुल बदलनी नहीं चाहिए, सब में एक बराबर हो, क्योंकि अगर ये लाइन की लंबाई बदल गई मतलब एक फेज वोल्टेज दूसरे वाले से ज्यादा बड़ी है, जो कि बैलेंस सिस्टम में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैलेंस सिस्टम में तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए लाइन की लेंथ, फेजर में लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड को इसी तरह से शो करती है। तो लाइन की लेंथ आप बिल्कुल ये करिएगा कि एकदम इक्वल हो, जितना हो सके कोशिश रखिएगा कि वो इक्वल ही रहे। तो इनके बीच का डिफरेंस 120 डिग्री का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस 120 डिग्री, यहाँ का डिफरेंस 120 डिग्री, ठीक है? तो पहले तीनों के तीनों मैंने फेज वोल्टेज ड्रॉ कर लिया यहां तक, ओके। अब इसके बाद मैं इनका एंटी फेज बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आपके तीनों एक्सप्रेशन में माइनस वी एन आर भी है, माइनस वी एन वाई भी है और माइनस वी एन बी भी है, तो एंटी फेज बनाने जा रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है? इसका एंटी फेज डेवलप करते हैं, इसका अपोजिट फेज। देखिए वी एन आर को दूसरी दिशा में एक्सटेंड करता हूं सेम लाइन की लेंथ के साथ, ऐसे, ठीक? क्या बोलेंगे इसको? माइनस वी एन आर, ओके यहां तक। सिमिलरली वी एन वाई को एक्सटेंड कर देता हूं ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस वी एन वाई, और वी एन बी को भी एक्सटेंड कर देता हूं दूसरे डायरेक्शन में ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस वी एन बी।
जैसे ही मैं इसे एक्सटेंड करूंगा सेम वही कंडीशन है, वी एन आर इधर एक्सटेंड किया माइनस वी एन आर, वी एन वाई उधर एक्सटेंड किया तो माइनस वी एन, 180 डिग्री अपार्ट कर दिया इन लोगों को, तो एंटी फेस क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं ये क्रिएट करूंगा आप देखिएगा बीच में ये जो 120 डिग्री का टोटल डिफरेंस था अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री के पार्ट्स में। यहाँ पर भी जो 120 डिग्री का डिफरेंस था ये भी 60 डिग्री और 60 डिग्री के दो पार्ट में बट गया। सेम यहाँ पर भी वही हाल हुआ, 60 और 60 डिग्री का डिफरेंस। तो जो मैंने वहाँ पर डेरिवेशन में लिखा था कि वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच कॉस फाई में फाई 60 डिग्री मैंने रखा था, वो आप देख सकते हैं कि वी एन वाई ये देखिए यहाँ पर है और माइनस वी एन आर यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको मिला 60 डिग्री। कोई बच्चा अगर सेकंड डेरिवेशन सेकंड से डिराइव किया होगा वी एन बी और माइनस वी एन वाई उसको भी सेम मिलेगा। ये देखिए वी एन बी इधर है और माइनस वी एन वाई इधर है, इन दोनों के बीच भी देखिए 60 डिग्री का डिफरेंस। ऐसा हर जगह मिलेगा आपको, तीनों जगह से। तो आप किसी भी केस से डेरिवेशन करिए सेम ही मिलेगा, उसमें कुछ नहीं चेंज होगा आपके। यहाँ तक भी आ गया, अब आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए अब आपको ये लाइन वोल्टेज को शो करना है इन दोनों के बीच में, लाइन वोल्टेज वी एन वाई और वी एन आर के बीच में, वी एन वाई और माइनस वी एन आर के बीच में। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक लाइन पैरेलल ऊपर वाली सेगमेंट के लिए और दूसरी लाइन पैरेलल इस सेगमेंट के लिए, ऐसे डॉटेड लाइन आप इसको यहां पे क्रिएट करिए और जहां पे दोनों मीट करती हैं उस पॉइंट पर ड्रॉ कर लीजिए आपका रिजल्टेंट। ये होगा आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल, इसका नाम क्या लिखेंगे, सो दिस विल बी वी आर वाई, और इसके बनते ही जो 60 डिग्री का डिफरेंस था अब वो 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, दिस इज 30 डिग्रीज एंड दिस इज 30 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली वी वाई वी कहाँ बनाओगे आप, वी एन बी और माइनस वी एन वाई के बीच, ये देखिए वी एन बी है और ये माइनस वी एन वाई है, ड्रॉ करते हैं चलिए इसको भी। पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो पैरेलल, ठीक है इस लाइन के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिए और सामने वाली लाइन के पैरेलल यहाँ कहीं पर ड्रॉ कर दिए, ऐसा अंदाजे से कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम में तो हो सके तो रोलर स्केल भी अगर आप यूज़ कर लें तो बहुत ही अच्छा है, रोलर स्केल यूज़ करके पैरेलल ड्रॉ करते हैं बच्चे, बहुत ही अच्छा बनता है इसमें। और यहाँ पे इनका रिजल्टेंट ट्रेस कर लेते हैं, यहाँ जो वोल्टेज बनेगी वो कौन सी वोल्टेज कहलाएगी, दिस विल बी वी वाई बी, और इसके बनते ही यहाँ पर भी 30 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल आएगा। ये अभी काम नहीं आएगा लेकिन ये एमसीक्यूज में काम आता है जब कॉम्पिटिटिव के लिए आप पढ़ते हो तो, और दूसरा कब काम आता है जब आप टू वॉटमीटर मेथड पढ़ते हो तो वहाँ पे भी काम आता है। लास्ट एक्सप्रेशन वी बी आर कहाँ पर ट्रेस होगा, वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच में, ये देखिए वी एन आर और माइनस वी एन बी के बीच में, बस आखिरी है उसके बाद कंप्लीट ये डेरिवेशन। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन मैंने अप्लाई कर दिया, ये सेगमेंट क्लोज्ड, डॉटेड लाइंस इसको इंडिकेट कर दिया, डॉटेड लाइंस इंडिकेट करना भी जरूरी होता है, उसको रेगुलर लाइन से नहीं इंडिकेट करना, रेगुलर लाइन ये शो करती है कि वहाँ पे एक क्वांटिटी है कुछ, वो मैग्नीट्यूड है, जबकि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी नहीं दिखा रहे हम लोग, चूंकि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम वो वेक्टर का पोर्शन दिखा रहे हैं कि वो एडिशन करने के लिए हम लोगों ने कौन सी पाथ को ट्रेस किया, बस उतने के लिए है। तो इसीलिए कभी भी उसको हार्ड लाइन से नहीं ड्रॉ करते हैं या रेगुलर लाइन से कभी भी उसको ड्रॉ करना सही नहीं रहता है। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन है वी बी आर का, इसके बनते ही यहाँ फिर से 30 डिग्री और 30 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ कि ये सभी की सभी क्वांटिटीज़ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ रोटेट हो रही है। अगर ऐसा है तो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में थ्री फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेजेस के लिए बनने वाला कंप्लीट फेजर डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। फिर प्रियांशु ये पोर्शन है जहाँ पे आपका डेरिवेशन खत्म होता है, इस पोर्शन तक आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, मैं कल की क्लास में आऊँगा तो होपफुली मैं क्वेश्चन भी ले आऊँगा आप लोग के लिए, तो इतने पोर्शन तक आपको ये डेरिवेशन बनाना पड़ता है, दिस इज डेरिवेशन पार्ट, यहाँ पर आपका डेरिवेशन एंड होता है, इस पोर्शन पर आपका डेरिवेशन एंड होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन अब यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप कि यहाँ तक का पोर्शन आप लोग को समझ में आया होगा। दो चीज़ें अब यहाँ से, और पहली बात, कल मॉर्निंग में आप लोगों के एसएससी जेई के लिए जो क्लास चल रही थी आपकी 50 डेज चैलेंज वाली क्लास, वो रहेगी सेम टाइम सुबह 8 बजे। और दूसरी चीज़, हाउ मच मार्क्स ऑल टोटल, अच्छा मार्क्स 7 से लेके
10 to 15 मार्क्स तक वेरी करता है, 10 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का क्वेश्चन, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, किसी में 75 का नंबर होता है, किसी में 80 का होता है, तो उस अकॉर्डिंग तो ओवरऑल जो है वो 7 मार्क्स to 10 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है ये। ठीक है, ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो मैं दो चीज़ें आपको बता दूँ जल्दी से जाने से पहले। कल सुबह 8 बजे 8 AM, कल है 26 जनवरी, 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है ना, तो रिपब्लिक डे है तो एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, कल सुबह 8 बजे से 9 AM आप लोग की जो क्लास रहेगी वो एसएससी जेई के लिए वो 50 डेज चैलेंज वाली क्लास रहेगी, 50 डेज CTQ की क्लास जो शुरू हुई है ना, एक वो रहेगी। और दूसरी क्लास, ये सेम क्लास जो है ये इवनिंग में ना रखे, कल का दिन अगर आपके पास कल का समय रहे तो कल उसको डे टाइम में कर लें हम लोग व्हाट्सएप, तो कल इस क्लास को हम लोग दिन के समय ही रखेंगे, ऐसा प्लान हुआ है कि इसको भी डे के टाइम पर ही रखेंगे। होपफुली 10 AM से रह सकती है, 10 AM से ये क्लास भी आपको मिल जाएगी, 10 से 11 बजे है ना, तो ऐसा नाइट और रिस्ट्रिक्शन वाला टाइम नहीं रहेगा। अगर वो आधे घंटे और एक्सटेंड भी करते हैं, एक घंटे एक्सटेंड भी करते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं जाएगा उससे। ठीक है, सो फ्रॉम 10 AM to 11 AM ये क्लास रहेगी आप लोगों की, ये सेम अपना बुनियाद बैच का BEE। ठीक है, तो कल ये दोनों क्लासेस आपके शेड्यूल रहेगी, तो ध्यान रखिएगा कल शाम को नहीं है क्लास बेसिक इलेक्ट्रिकल की, कल मॉर्निंग में ही है, कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे, करेंगे एजाज। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द लवली हार्ट्स और इतना सारा एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से अब कल सुबह 10 बजे ये क्लास रहेगी जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसकी कंटिन्यूएशन की क्लास, और सुबह 8 बजे SSC JEE की क्लास रहेगी, तो मिलते हैं कल। ठीक है, सो टेक केयर, एंजॉय करिए मस्त तरीके से, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड, एंड वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को इन एडवांस। मिलते हैं कल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।